is FM 100. On the way for commercial break. Stay tuned. On the FM dial. We are Pakistan's number one sound. FM 100. FM 100. Number one on the FM dial. Karachi. Lahore. Islamabad. Hyderabad. Rahim Yar Khan. Multan. Abbottabad. Gujarat. Across Pakistan, this is FM 100. FM 100. 100. 100. 100. 100. FM 100. 100. 100. Karachi, Lahore, Islamabad. Hyderabad, Rahim Yar Khan, Multan, Abbottabad, Gujarat, Jhelum. Across Pakistan, this is FM 100. FM 100. 100. 100. 100. 100. FM 100. 100. This is FM 100. On the way for commercial break. Stay tuned. FM 100. 100. The heartbeat of Pakistan. This जनाब अपने तमाम देखने और सुनने वालों को एफ एम हंड्रेड पाकिस्तान के कराची स्टेशन से अजमल खान शोबे की जानिब से अस्सलाम वालेकुम और अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। उम्मीद करता हूँ कि आप ठीक ठाक होंगे, खैरियत होंगे और मुंतज़िर होंगे हमारी आज की मुलाकात की, क्योंकि आज की मुलाकात हमारी भी जो है वो चटपटी है और बड़ी मज़ेदार किस्म की है और थोड़ी सी हॉरर भी होगी, थोड़ा सा ख़तरनाक भी होगी, बहुत ज़्यादा जॉली भी होगी, क्योंकि हम बात करेंगे एक ऐसे डायरेक्टर से और एक ऐसे एक्टर से के डायरेक्टर जिन्होंने पाकिस्तान में पहली एक फिल्म ऐसी बनाई थी कि इससे आज के दौर में कि जो एक हॉरर टाइप की थी और जिसने वाकई थोड़ा सा बड़ा चेंज मैं दिया था इस फील्ड में और इस फिल्म के हवाले से। और उसके साथ फिर हम एक एक्टर से ऐसे बात करेंगे कि जो स्क्रीन पर आते हैं तो माशाल्लाह वो फिर उनके आते ही उनका नाम सुनते या उनका फेस देखते ही लोगों के चेहरों में मुस्कुराहट फैल जाती है और ये बहुत बड़ी बात है। कहते हैं अगर किसी के लबों में मुस्कुराहट आती तो ये भी एक सदका जारी है और ये सदका जारी बहुत बड़ा काम है। तो ऐसे फनकार हमारे साथ मौजूद आज माशाल्लाह से और मैं आपके साथ होते ही हूँ, आप कभी आपको हंसाता हूँ, कभी रुलाता हूँ, कभी खुद रोते हैं, कभी साथ साथ होते हैं। तो ये ज़िंदगी भर मुलाकात अजमल शोबे के साथ आप एवरी सैटरडे सुनते हैं एफ एम हंड्रेड पाकिस्तान के कराची स्टेशन से और उसके साथ साथ फेसबुक पर आप लाइव भी देखते हैं। अगर आप फेसबुक पर मौजूद हैं तो यकीनन आप देख सकते हैं एफ एम हंड्रेड पाकिस्तान के ऑफिशियल पेज पर और फेसबुक पर मेरा ऑफिशियल पेज मौजूद है, वहाँ पर आप देख सकते हैं अजमल खान शोबे एंकर पर्सन के पेज पर और एफ एम हंड्रेड पाकिस्तान के यूट्यूब चैनल पर भी इसको लाइव देख सकते हैं और रेडियो पर सुन सकते हैं। दुनिया भर में कहीं भी मौजूद हैं, किसी भी जगह मौजूद हैं। अब रेडियो सुनना बहुत आसान हो चुका है, अब रेडियो की बात रेडियो तक नहीं होती बल्कि अब लोग एंड्रॉयड मौजूद है, आईफोन मौजूद है, आपको नेट मौजूद है, तो अब लोग जो है वो प्ले स्टोर पर जाते हैं और जाकर एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं, इंस्टॉल करते हैं और उसके बाद लाइव सुनना शुरू करते हैं। कहीं भी मौजूद, अब सिग्नल का मसला नहीं है कि ये तार हिला के ये सिग्नल सही करना वो करना, अब कुछ भी नहीं है, बहुत ईजी हो गया रेडियो, बहुत आसान और बहुत अच्छे साउंड के साथ आप सुन सकते हैं यकीनन और देख सकते हैं। तो इंशाल्लाह ताला ये सिलसिला हमारे साथ रहेगा। हम खुश आमदीद कहते हैं अपने दोनों मेहमानों को, सैयद आतिफ अली जी हाँ बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं, बेशुमार उन्होंने ड्रामे भी बनाए हैं, ड्रामेबाज भी बड़े पुराने हैं ड्रामे बनाने वाले, फिर उन्होंने फिल्म बनानी शुरू कर दी और उसके साथ साथ जो है फिर माशाल्लाह अब दूसरी फिल्म भी इनकी आने वाली है, उस पर बात करेंगे। जनाब आतिफ अली से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी आतिफ अली साहब, कैसे हैं? हम ठीक ठाक हैं, खैरियत माशाल्लाह माशाल्लाह, खुश आमदीद कहते हैं आपको।
वो एक वो मुझे मिसरा याद है कि मैं यूं ही लड़का लड़का सा मैं निकल आया जॉन इंडिया नाम है तो मुझे भी ऐसे लग रहा है कि कुछ लड़के लड़के साथी फली भाई निकल आए माशाल्लाह अल्लाह आपको और ज्यादा लड़का नौजवान बना हमारी दुआएं आपके साथ है माशाल्लाह। काम करने वाले जब कहते हैं काम में ज्यादा जब जुट जाते हैं ना तो फिर उनकी जवानी जो है वो निखरनी शुरू हो जाती है क्योंकि जितना एक्टिव बंद रहेगा उतना ज्यादा सेहतमंद तंदुरुस्त रहेगा ना वो। और उसके साथ साथ जो है अब मेरे ख्याल में यूँ करते हैं हम दूसरा तारुफ जो है वो हम लेते हैं बाद में, छोटी सी ब्रेक है, निक्की जी ब्रेक है और ब्रेक के बाद हम दोबारा मिलते हैं और दूसरा तारुफ हम उनके बात कराते हैं। आपको हमारे साथ रहिएगा। On the way for commercial break. Stay tuned. You're listening to 100 on the FM dial. We are Pakistan's number one sound. FM 100. Number one on the FM dial. जी जनाब, ब्रेक के बाद हम दोबारा आ चुके हैं। खुश आमदीद, अस्सलाम वालेकुम और अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। जैसा कि एक तारुफ मैं आपको पता करवा ही चुका हूँ पहले से और दूसरा तारुफ जो है वो हमारे साथ मेरे बिल्कुल हमारे दरमियान में सेंटर फॉरवर्ड जो है वो ख़ास तौर पे होते हैं हमेशा हर जगह जहाँ भी मौजूद हों और अब मेरे और क्लोज हो गए तो मुझे और ज़्यादा मज़ा आएगा बोलने में क्योंकि जितने के कहता मतलब मैं मोहब्बत जब ज़्यादा बढ़ती है तो फिर बंदा उतनी ज़्यादा जो है गुन भी गाता किसी के। तो माशाल्लाह मेरे साथ मौजूद जो है किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, बहुत अच्छे माशाल्लाह मेकअप आर्टिस्ट हैं और अपना सैलून है, उसके अलावा माशाल्लाह बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं, ख़ास तौर पे बहुत सारे ड्रामे माशाल्लाह किए हैं और बहुत सारे ड्रामे, मगर कोई कहते कुछ ड्रामे या कुछ किरदार ऐसे होते हैं जो वाकई एक इंसान की पहचान बन जाते हैं कि पूरे सब पे हावी हो जाता है, कोई एक करेक्टर कोई एक जुमला, आप पूरी फिल्म में काम करें पूरी फिल्म का काम जो समझ में नहीं आएगा, कहीं एक जुमला कोई एक ऐसा डायलॉग ऐसा होता है जो बड़ा सेंसिटिव होता है, बहुत ज़्यादा बंदा मूड में या बहुत ज़्यादा जो अपनी फुल परफॉर्मेंस के साथ जो अदा कर देता है और वो लोगों को बस कहते हैं अपनी तरफ खींच लेते हैं, तो ऐसी कुछ कैरेक्टर भी होते हैं। तो जनाब कद्दूसी साहब की बेवा का में माशाल्लाह आपने देखा होगा अब्दुल वदूद को, तो वो हमारे साथ मौजूद हैं, जनाब वक्कार हुसैन मौजूद हैं, माशाल्लाह किसी तारों के मोहताज नहीं हैं, एक अरसे से इंडस्ट्री से वाबस्ता हैं, लोगों को संवारते भी हैं और लोगों को हंसाते भी माशाल्लाह। तो खुश आमदीद कहते हैं, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? मैं ठीक ठाक, आप ठीक हैं वक्कार? बिल्कुल ठीक। आपको खुश आमदीद, आप क्योंकि लेकिन पहली बार आप आए जी, मैं फर्स्ट एफएम मंडल पाकिस्तान पर, तो ये बताएं कैसा लग रहा है हमारा एज ए रेडियो एफएम मंडल रेडियो, कैसा लग रहा है? मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है और माशाल्लाह इतनी सारी चीजें आपको सुनते तो रहते हैं लेकिन इत्तेफाक ये हुआ आने के इत्तेफाक फर्स्ट टाइम हुआ है लेकिन मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है और ये एक्सपीरियंसेस जो हैं वो मुझे बीइंग एन एक्टर होके बड़े मजे आते हैं। ये तो है और मतलब अब जब आप एक मेकअप आर्टिस्ट की वजह से कहीं जाते हैं तो फिर वहां कैसा लगता है? बीइंग ए मेकअप आर्टिस्ट तो फर्स्ट पे पिछले 22 सालों से मेकअप कर रहा हूं माशाल्लाह, मगर ये होता है कि आर्टिस्टों के साथ रहता था तो इतना पता नहीं चलता था लेकिन जब खुद एज एन आर्टिस्ट अब मैं जाता हूं तो वो जो आपको वैल्यू प्रोटोकॉल उसका मजा लगता है, अलग होता है, आई लव एक्टिंग। जबरदस्त। चले भाई खुश आमदीद कहते हैं आप दोनों को, आतिफ पहले भी आ चुके हैं माशाल्लाह, बहुत पहले काफी अर्सा हो गया। और अच्छा आतिफ मुझे ये बताएं कि माशाल्लाह आजकल क्या आपकी कुछ चल रहा है, आपकी माशाल्लाह से फिल्म आने वाली है, पीछे तो देखो, पीछे तो देखो, अब पीछे ना देखें तो फिर क्या होगा? जरूरी है पीछे तो देखो, हालात में देखना तो लाजमी हो गया, लाजमी है, हमने क्या गलतियां की हैं जिसका नतीजा आज हम भुगत रहे हैं। तो ये मुझे बताएं, ये नाम जो है, ये नाम मतलब ये एक तो बच्चे का वो एक जुमला था जो काफी मतलब हिट हो गया, वो एक चल गया वो, तो ये आपकी फिल्म का नाम पड़ गई? ये फिल्म का नाम पहले था भाई भूतनी के किसी को भगाना होगा ना भूतनी के, तो उन्होंने कहा कि नहीं ये सेंसर हो जाएगा, ये होना भी चाहिए, हमने कहानी ये नाम आए तौबा
साथ ऐसी बात कर रहा है जो गाड़ियां खुली खुली गाड़ियां दे रहा है। बहरहाल तो ये फिर हुआ कि उन्होंने कहा कि ये आप जो ये नाम कैसा रहेगा, नाम सामने आया मेरा, तो मैंने कहा अच्छा नाम है। फिर ये वो हुआ कि कहानी के साथ भी जुड़ गया, ये हमारी कहानी भी ऐसे ही है कि पीछे जाना पड़ता है हमें, फिर 1971 का कोई हमने लिया छोटा सा, तो वो फिर मैच हो गया नाम। और अच्छा, बहुत जस्टिफाई किया क्योंकि हमने बहुत सारी चीजें उस फिल्म में ऐसी हैं जो आपको पीछे देखना जरूरी है, आपको अच्छा। हॉरर में वो पीछे एरा में चले जाते हैं, फिर उसके बाद बहुत सारी चीजें उसमें सिचुएशंस ऐसी हैं जहां ये नाम बड़ा एक्यूरेट फिट हो रहा है। एग्जैक्टली, सही बात है। अच्छा ये मुझे बताएं माशाल्लाह, आप ये इसकी कहानी क्या बेसिकली कहानी है कि आपने काम ये तो अभी मैं कल आपके समझ लें 2.5 साल हमारे जो कोरोना में गए, मुझे लगता है कि उसी में दौरान में आपको ये इसका जो है वो नहीं नहीं ये फिल्म बन गई थी कोरोना 20 मार्च को हमारा 4 मार्च को हमारा लास्ट डे था शूटिंग, पैकेज अच्छा। हो गई थी हमारी, हम तो एडिट कर रहे थे तो फिर कोरोना आ गया। हाँ, 20 अच्छा। मार्च से कोरोना आना शुरू अच्छा। हुआ था, तो हम से पहले कर चुके थे, फिल्म कंप्लीट कर चुके थे, कर चुके थे। उसके बाद फिर वो कोरोना की वजह से ये रुके, फिर भी काम होता रहा स्टूडियोज के अंदर, सारे जो लवाजम होते हैं साउंड सराउंड सब सब लोग लगे हुए थे उसके ऊपर। तो फिर रिलीज कब करें ये जो हुआ, फिर 2-3 डेट्स आई रिलीज की, लेकिन फिर वो ओमिक्रोन आ गया, वो आ गया, तो फिर हमने कहा रुक दिया जाए अभी। अब ये जो हमारे बॉस हैं एवरीडे पिक्चर्स के रूरमा सत्यचानंद, वो तो भाई बड़ा नाम है, बड़ा नाम है जी, तो उन्होंने कहा कि पाको हिंद का बड़ा नाम, उन्होंने निकाली की रेट बेहतरीन है इंशाल्लाह, हमने कर बिस्मिल्लाह करते हैं। तो अभी ये एवरीडी को उस पर चल रही है, एवरीडी पिक्चर्स है और साथ में मेरे 3H विजन है जिसमें हबीबुल्ला साहब के साहबजादे हमजा हबीबुल्ला को प्रोड्यूसर हैं इसके, तो वो मिलके एक जॉइंट वेंचर हुआ है। और जो मुझे पूरी उम्मीद है कि जो कहानी जो आपने जो बात की है, तो कहानी ये है, कहानी बहुत मज़ेदार है इसकी, कहानी अच्छा बैकड्रॉप जो है इसका हैदराबाद है, अच्छा। मेरा अपना शहर है, मेरा तो आपका अपना शहर है, वो मैंने सुना था जब शुरू शुरू में आप अपने उस्ताद के घर जाके जब कहानी वानी हुई, जब मैंने लिखने की चल रही थी, रैखी करने गए थे, तो वहाँ एक इलाका है फकीर कपड़ जो हम जहाँ थे बचपन में, तो वहाँ पर ये हुआ कि जब मैं गया वहाँ पर तो मुझे ये इलाका देखा देखा लगा, तो मुझे लगा मैं तीसरी क्लास में पढ़ने आता ट्यूशन, तो वो मेमोरी रिकॉल हो रही, मैंने कहा मजीद सर उधर थे, तो मैं समझा शायद तो उन्होंने कहा नहीं मौजूद है, अच्छा। अरे मैंने घर गया उनसे मुलाकात की, वो पहचान गए मुझे, अच्छा। और उन्होंने दुआएं दी, तो मैंने कहा इससे बड़ी क्या बात होगी कि मैं फिल्म शुरू कर रहा हूँ, रैकी करने आ रहा हूँ, मेरे उस्ताद की दुआएं ले रहा हूँ, क्या बात है। तो हमने जब हैदराबाद शूट करने गए थे तो जो क्लिप था उनसे करवाया था मैंने, अच्छा अच्छा, वो मैंने जब फेसबुक पर लगाया था मैंने देखा था आपने, काफी स्पीड के जब भी मैंने कहा कि वो फिर वो उसकी ओपनिंग जो उनसे करवाया था, उन्होंने उस्ताद से करवाई थी, जबरदस्त बहुत अच्छा बार अच्छा, उसमें बड़ा जबरदस्त करेक्टर जो है खासतौर पर टाइटल में जो है वकार का, मतलब वकार का करेक्टर उसमें बिल्कुल ही चेंज, मतलब यूं मुझे लगता है कि फिल्म की जान समझे यही होंगे। वकार का ये हुआ है कि वकार का हमारा साथ बहुत पुराना है, मैंने पहला ऐसा ड्रामा डायरेक्टर जब मैंने शुरू किया था हम टीवी से डायरेक्टर, तो मेरे सेट के ऊपर जो मेकअप आर्टिस्ट आया तो मैं गया तो वकार थे, अच्छा वहाँ से हमारी दोस्ती शुरू हुई, अच्छा। और ये इतना प्यारा बंदा है, इससे मिलते ही बस हो जाता है, मेरी मुलाकात वकार से पहली है, मगर गायबाना तारुफ गायबाना इनके बारे में बहुत अच्छा, मैंने बहुत सारे मतलब किसी से कभी को गलत बात सुनी नहीं मैंने इनके बारे में, माशाल्लाह। उसके बाद ये होता था कि हम फहीम बढ़ने के ड्रामे लिखता था, तो हम जब जाते थे दुबई शूट करने के लिए तो वो मुझे ले आते थे कि एक ड्रामा शूट हो रहा था दूसरा में लिख रहा होता था, अच्छा। तो वहाँ ये साथ होते थे, अच्छा। और मुझे लगता था कि वाहिद वो बदले सिंह के साथ में रूम शेयर कर सकता था, अच्छा। और मैं किसी के साथ तो मुझे बड़े लगता था कि नहीं ये बड़े भाई की तरह ये बड़े अच्छे हैं, और ये ख्याल बहुत रखते थे, शक्ल से भी शरीफ लगते और है भी बहुत शरीफ। और दूसरा ये कि होता था कि इनका ये रात भर जागते थे क्योंकि इन्होंने लिखना होता था, और जब मैं सुबह उठ के जा रहा होता तब ये सोने के लिए जाते, तो हमारे टाइमिंग्स बड़े अच्छे थे। उस वक्त से अब वकार को कहता था कि आप एक्टिंग करो, हाँ सबसे पहले इन्होंने मुझे कहा एक्टर तुम एक्टिंग करना, इन्होंने कहा मैंने तुम करना देखना तुम और भी छा जाओगे, वही हुआ। फिर मैंने कहा था मैं फिल्म में एक करेक्टर तुम्हें जरूर लिखूंगा, वो प्रॉमिस इन्होंने पूरा किया। हालांकि मुझे भी किसी ने कहा था, देखो ना परे के दौरान मुझे भी एक बंदे ने कहा था, मुझे अभी भी ख्वाबों में कभी कभी ख्वाब में, नहीं नहीं मैं अपने वादे पूरे करता हूँ, किसी दिन आप देखिएगा कि आप होंगे मेरे साथ पे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अच्छा वकार ये जो इस वक्त
आपका जो कैरेक्टर इसमें है, ये कैरेक्टर आपने क्यों खास तौर पे ये कैरेक्टर क्यों ऐसा आपने मतलब जब इन्होंने दिया या आपने चूज किया या बैठ के डिसाइड हुआ यार ये आप ही नहीं करना चाहिए? नहीं नहीं, मैं तो बिल्कुल भी इस मामले में कुछ नहीं करता, ये सिर्फ सबसे ज्यादा राइटर और डायरेक्टर की चीज होती है। और आतिफ भाई ने जब मुझे ये कैरेक्टर बताया, मुझे कोई बात उसमें ऐसी लगी नहीं जिसमें मैं उनसे कोई बात पूछूं, या उन्होंने मुझे इतना खूबसूरती से समझाया। उन्होंने कहा कि इस पूरी फिल्म के अंदर एक रानी है और वो रानी जो है ना वो बिल्कुल भी, वो एक ट्रांसजेंडर है, बट वो एक ट्रांसजेंडर उस जमाने का है, उस और एरा का है जहां पर लोग उनको तमीज तहजीब सिखाने के लिए बुलाया करते हैं। तो ये ना बिल्कुल हिजड़े की तरह नहीं होगा, ये एक खूबसूरत औरत होगी जिसके बड़े दुपट्टे होंगे, उसे शलवार कमीज पहना होगा, उसकी जेवर होगा, उसके लंबे बाल होंगे, वो बहुत भरपूर एक औरत होगी। जबकि बता रहे थे ना, तो एज ए मेकअप आर्टिस्ट ये बड़ा फायदा होता है कि आप चीजों को डिजाइन कर सकते हैं, तो मैं अपने दिमाग में उस कैरेक्टर को डिजाइन कर रहा हूं। फिर आतिफ भाई ने मुझे सारी सपोर्ट सिस्टम दिया, इनकी बेटी जो है वो एज ए मेरे कपड़े डिजाइन कर रही थी, तो उन्होंने कपड़े डिजाइन किए मैंने, और सब चीजें जब इकट्ठा जमा हुई तो मैंने आतिफ भाई से कहा आज आप रेडी रहिएगा, आज आप सेट पे ना रानी आ रही है तैयार होके। फिर मैं अपने सैलून में पूरा तैयार हुआ, पूरी रानी बना, और जब मैं आया सेट पे तो आतिफ भाई बहुत खुश हुए। और एक बहुत मजे की बात होती थी कि जब मैं गेटअप में आता था ना, तो आतिफ भाई जो मुझे डायरेक्ट करते थे बोलते आप जब ये करेंगी ना तो ये, मैंने कहा आतिफ भाई आप मुझसे ऐसे क्यों ये असल में ये इसलिए करते थे क्वेश्चन तो रानी है ना। हाँ वो कहते थे मैं क्यों, वो खुद भी कहते मैं पता नहीं क्यों तुमसे लेकिन बहुत मजा आता है सेट पे। और सबसे अच्छी बात हमें सेट पे ये लगी कि आतिफ भाई डायरेक्टर तो अच्छे हैं ही, लेकिन आतिफ भाई का जो एक एटमॉस्फेयर होता है ना ऑन सेट जब आपको होता है, तो आप हमें पूरी फिल्म बन गई और हमें पता ही नहीं चला कब फिल्म बन गई। फ्रेंडली माहौल में, फ्रेंडली और बड़े और सब, और बिल्कुल ऐसा होता है आपकी आप घर पे छुट्टियों में, क्योंकि हम जैसी हमारी शूटिंग मोस्टली रात में होती थी, तो बस घर से खाने बन के आ रहे होते थे, हम शूटिंग कर रहे होते थे, गेटअप हो रहे होते थे, एक्शन, और वो जो क्योंकि मैंने बहुत सारी फिल्में एज ए मेकअप आर्टिस्ट की हैं, एक स्ट्रेस होता है, एक आर्टिस्ट पे स्ट्रेस होता है, एक सेट का स्ट्रेस होता है, बहुत सारी चीजें प्रॉब्लम्स होती हैं सेट पे, लेकिन आतिफ भाई के सेट पे मुझे एज एन मेकअप आर्टिस्ट जो होता है ना, जो हमें प्रॉब्लम्स होती हैं, एज एन आर्टिस्ट ज्यादा प्रॉब्लम्स होती है मुझे लगता है, तो एज एन आर्टिस्ट हमें बहुत रिलैक्सेशन थी, तो बहुत मजा आया फिल्म में, बड़ा जबरदस्त है। अच्छा इसमें इसके साथ साथ इसमें कौन और कौन कौन है इसमें, मतलब यासर है मेरे ख्याल में और आदि आदि है, यासर आदि की बहुत अच्छी केमिस्ट्री है, ये इनके इन दोनों का क्या ये मतलब, आपने जैसे आप बता रहे थे कि आप जो है मतलब अलीफ और नून वाली कहानी जो है वो आपने वहाँ मिलाने की, मतलब अलीफ और नून तो बाद में आते हैं, पहले पहले तो मैं जब छोटा था तो हम एक मूवी आती थी ट्रेसल एंड ब्रिडन स्पेंसर, आई एम फॉर द हिपोटोमस क्राइम बस्टर, तो ये हम छोटे होते तो जब वो फिल्में आती थी तो हमें बड़ी खुशी होती थी कि मजा आएगा ये देखने में। तो जब हम मेरी कैरेक्टर लिख रहा था तो मेरे जहन में कहीं ना कहीं वो थे मुझे। अच्छा पाकिस्तान में जो फिल्में जुड़ी है वो थे अली इजाज़ और नन्ना, उसके बाद मुझे 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 यकीन है इंशाल्लाह कि ये दूसरी जुड़ी होगी जो कि आगे बढ़ेगी। उन दोनों की केमिस्ट्री भी बहुत स्ट्रॉन्ग है माशाल्लाह, यानी वो आप शूट आप फिल्म देखेंगे ना तो आपको आपको मजा आएगा। अच्छा वो जो फिल्म के फ्रेम्स हैं वो भी मैंने वो इटालियन होते थे डायरेक्टर वहाँ पर उन फिल्मों के, तो वो फ्रेम भी मैंने उसी तरह लेके दोनों को साथ साथ रखा है। अच्छा तो वो बड़ा यानी और उन्होंने काम बड़ा मजा। अच्छा वो जो जो आप पूछ रहे थे जो किरदार का, तो ये हैदराबाद के लड़के हैं, तो लफंगे टाइप। अच्छा यानी वो करना कराना कुछ नहीं है, गली मोहल्ले में बस अपनी फिल्म देख ली, भाग गया ही कर लिया। उनके साथ एक इंसिडेंट होता है और वो एक ऐसे घर में एक जाते हैं जो कि बंद पड़ा हुआ है, खंडर है, बहुत पुराना है, बातें मशहूर है, वहाँ से कहानी रिवील होती है। तो आपने यहाँ भी कहीं ना कहीं परी वाली दास्तान घुसेड़ दिया आपने ना। हमारे जमाने में इंग्लिश जो होती है ओमन, ये कहते हैं शाइनिंग, इस तरह की फिल्में मेरे ध्यान में थी, एक हॉरर जमी हुई फिल्म की मजेदार स्टोरी लाइन के साथ, लेकिन वो क्या कहते हैं वो भी अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा। फिर मैंने कहा मैं दूसरी बनाता हूँ तो वो ऐसी खतरनाक बनाता हूँ कि जो लोगों के बाल खड़े हो जाएंगे, वो हो ये क्या होगा, बाकी वो ऐसी बनी है। लेकिन वो मैंने फिर सोचा कि अभी वो पाकिस्तान में इतना नहीं है यानी हॉरर का, तो क्यों ना उसके साथ कॉमेडी की जाए। आपने वही वही कि पहली आपने जो बनाई है परी वो भी संजीदा पहली थी, मगर वो अच्छी फिर भी अच्छी थी। हाँ नहीं वो मतलब एक हमारी इंडस्ट्री के हिसाब से लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया, क्योंकि हमारे ये जॉनरा बहुत कम यूज किया जाता है। अच्छा हमारे यहाँ वही बात है, हमारे एक तो इतना जो है वो यहाँ तक लोग पहुँचते नहीं, कहते हैं यार ये अब ऑर्डर के लिए पूरा आपको पता है एटमॉस्फेयर सब चीज़ें चेंज करनी पड़ती हैं पूरा, अब यहाँ अब उसके लिए लाजमी तो वो क्लाइमिक चाहिए, वो चाहिए, नाइट चाहिए, फिर वो अजीब चीज़ें, वो इतना लोग दौड़ते नहीं हैं, वो कहते कहाँ था यार पता नहीं आगे क्या होगा क्या होगा। मगर आपने माशाल्लाह उस वक्त रिस्क को लिया, मगर इत्तेफाक ऐसे कि वो उस वक्त दो एक साथ
अपने आमने सामने पाक और हिंद दोनों साथ साथ आ गई थी, उनकी भी आई थी, उनकी परी भी साथ साथ रिलीज हुई थी, उनकी परी भी साथ साथ रिलीज हुई थी। मैंने वो देखा, मैंने कहा दोनों एक साथ परी रिलीज हुई, मगर एक अपनी तौर पर हमारी परी जो फिर भी काफी बेहतर है। लेकिन आप ये देखिए कि अगर हम वहाँ क्रॉस द बॉर्डर अगर हम मुवाजना करते हैं, हमारे पास ना उतनी फैसिलिटीज होती है, ना उतने बजट होते हैं, ना कुछ, लेकिन उसके बावजूद अगर कोई चीज बना के खड़ी करने से बेचते हैं। हाँ बिल्कुल, ये तो हकीकत है, इसमें कोई शक नहीं है। चलिए बिल्कुल अच्छी सी गुफ्तगू चल रही है, सब बहुत सारी अभी बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारा अभी लाजमी वकार का कैरियर है, उसके अलावा फिर कुछ आतिफ अली से बात होगी, कुछ इसी हवाले से, और बहुत सारी बातें चलेंगी, मगर ये ब्रेक जो है वो बड़ा ज़रूरी है, ब्रेक साथ साथ हम लेके चलेंगे। और आप अगर प्रोग्राम सुन रहे हैं, मेरा रेडियो पर सुन रहे हैं, अगर आप देखना चाहते हैं तो आप हमारे यूट्यूब FM100 के यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हैं, और उसके अलावा अगर आप देखना चाहें तो FM100 पाकिस्तान के ऑफिशियल पेज पर फेसबुक पर मौजूद है, आप वहाँ भी देख सकते हैं। उसके अलावा अगर आप फेसबुक पर मौजूद है तो मेरा ऑफिशियल पेज मौजूद है, अजमल खान शो भी एंकर पर्सन, वहाँ देख सकते हैं। गर्जे के आप अगर प्रोग्राम की वीडियो देखना चाहते हैं तो फेसबुक पर कहीं भी सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा, इसमें टेंशन की बात नहीं है। सुनना चाहते हैं तो सुन ही रहें, और सुनने की बात अलग ही होती है, रेडियो रेडियो है, रेडियो पर जब सुनेंगे आँखें बंद करके सुनते जाएँ तो आप देखें कितना मज़ा आएगा, ज़बरदस्त आएगा, आप भी इंजॉय करेंगे और हम भी इंजॉय करें। इस वक्त FM100 पाकिस्तान के कराची स्टेशन पर आपके साथ मौजूद हैं। एक बहुत छोटी सी निकी जी ब्रेक है, और ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं, साथ रहिएगा। On the way for commercial break. Stay tuned. On the FM dial. We are Pakistan's number one sound. FM 100. Number one on the FM dial. जी जनाब बिल्कुल, मुलाकात अजमल शोभी के साथ आप सुनते हैं हर हफ्ते की सहपहर को 3 बजे से 5 बजे तक, और इंशाअल्लाह इसी तरह मेरी कोशिश होती है कि मुलाकात में आपकी मुलाकात बहुत अच्छे अच्छे जिन्हें आप देखना चाहते हैं, जिनसे बात करना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, जिनके बारे में कुछ जानना चाहते हैं, और आपके ई मेल्स आपके मैसेजेस मुझे मिलते रहते हैं, और इसीलिए मेरी कोशिश थी लास्ट प्रोग्राम जो वो आपकी सबकी फरमाइश थी, बहुत सारे लोगों ने कहा, तो आपकी मुलाकात मोहित मिर्ज़ा से मैंने करवाई थी। उससे पहले सलीम आफरीदी हमारे पास आए FM 11, आपको पता कि उनकी ऑडियो कैसेट एक दौर था बहुत चली थी, और जब FM शुरू हुआ उससे पहले आपकी मुलाकात असफर हुसैन से, असफर रहमान से करवाई थी। तो इस तरह मुलाकात का सिलसिला चलता रहता है, और आज की मुलाकात के लिए यकीन जो हमारे साथ वकार हुसैन मौजूद हैं, सैयद आतिफ अली मौजूद हैं, कुछ फिल्म के हवाले से बात है, पीछे तो देखो जो कि मेरे ख्याल 17 तारीख को रिलीज हो रही है जी सर, इसी तो आप यकीन आप कहते हैं कि शोभी साहब आप जो फिल्म कहते हैं वो हम देखते ज़रूर हैं, तो आपने ये देखनी है, और देखकर आपने अपना रिव्यू मुझे देना है कि आपको कैसी लगी है, क्योंकि बगैर देखे रिव्यू तो दिया नहीं जा सकता ना, सुनकर तो हम कह ही नहीं सकते नहीं यार मैं एमी थी यार, जब देखा ही नहीं मैंने तो मैं कैसे कह दूं कि एमी थी, हो सकता है मेरी सोच से ज़्यादा अच्छी हो सकता है मेरी सोच से ज़्यादा बुरी हो, दोनों चीज़ हो सकती है, मगर देखे बगैर आप गलत या सही का कोई भी तबसरा कर ही नहीं सकते, कुछ भी नहीं कर सकते आप, और कहते हैं कि हम सुने से नहीं बातों में बहुत सारी बातें कर देते हैं, तो सुने से नहीं बातों के बाद जब होता है तो एंड होता है, फिर आपको पता कि क्या मसाइल, बड़े मसाइल होते हैं, क्योंकि हमने सुनी सुनाई बात पर यकीन करके बहुत सारे मसलों में खुद मुश्किलों में गिरफ्तार हो जाते हैं। तो ये चीज़ें सबसे पहले है कि 17 जून को इस वक्त आपने इसको रिलीज़ होना है, और आप देखेंगे और अपना रिव्यू देंगे मुझे और बताएंगे कि आपको ये फिल्म कैसी लगी, तो यकीनन हम उस रिव्यू के साथ ही फिर इंशाल्लाह आतिफ से दोबारा ऑनलाइन मिला या जैसे मौका मिला हम दोबारा फिर बात करेंगे, भाई आपने तो ये कहा था देखें ये हुआ, वो अल्लाह करे कि अच्छा हो, क्योंकि काम कर जब इंसान कहते हैं इंसान बड़ा दिल लगा के काम करता है ना, मेहनत करता है एक टीम वर्क के साथ, और सब उसमें बहुत ही नेक दिली के साथ संजीदगी के साथ काम को अपने अंजाम देते हैं, तो अल्लाह ताला उसमें फिर कहते हैं मुश्किल आसान करता है, और अल्लाह ताला कामयाबी भी देता है, और जिनके दिलों में कहते हैं नीयत में दिलों में फतूर हो तो वहाँ कामयाबी तो फिर नामुमकिन सी बात है, क्योंकि वो अमल हमारा जो है ना वो हमारी नीयत पर ज़्यादा मुनसर करता है, हमारी नीयत अगर साफ़ है तो हमारा अमल बहुत अच्छा होगा, जब अमल अच्छा होगा तो ये करें दुनिया में
पहचान हमारी बनेगी। तो अच्छा आतिफ भाई, ये मुझे बताएं कि ये फिल्म माशाल्लाह जो है, आप क्या कहते हैं हमारी आज के जो इस वक्त फिल्मों का, क्योंकि इस वक्त जो सिस्टम चल रहा है, अभी बहुत सारी फिल्में रिलीज हुई हमारी अभी बहुत सारी, तो उनमें बहुत अच्छा जो है उनका मतलब रिस्पॉन्स हमें इतना नहीं मिला, तो आप क्या समझते हैं कि हम कहीं पहले सुनी हुई है या हमने पहले देखी हुई है? इतना इंशाल्लाह ओरिजिनल कहानी पर बनाइए, और दूसरा ये कि रिवायती कहानी नहीं है अभी कि कोई लव स्टोरी हो या ये हो, ये बिल्कुल एक मज़ेदार, यानी हमें पूरी उम्मीद है कि ये आम फिल्मों से हटकर फिल्म है, इसकी कहानी भी और उसका अंदाज़ भी, और ये पाकिस्तान में ये पहला एक्सपीरियंस हॉरर कॉमेडी का संजीद की के साथ जो हमने किया है, तो हमें तो पूरी उम्मीद है कि लोग आएंगे देखने इसको, और अच्छे रिव्यूज़ भी आ रहे हैं अभी से जो ट्रेलर जिन लोगों ने देखा है, तो ये है। अच्छा ये आप क्या समझते हैं इस वक्त हमारी यहाँ फिल्म जो है, क्योंकि फिल्म आपको पता है कि हम ये कहते हैं कि हम कई सालों से चला आ रहा है कि अब फिल्म हमारी रिवाइव हो रही है ना दोबारा फिल्म, क्योंकि बिल्कुल इंडस्ट्री हमारी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी बिल्कुल एक 80s के बाद से, अब दोबारा रिवाइव हो रही है, मगर रिवाइव होने में फिल्म का वो जो रिवाइव होना जो फिल्म होनी चाहिए वो फिल्म अभी तक हमारे सामने आ नहीं रही है जिसको हम फिल्म कह सकें। देखिए तो आप क्या कहते हैं इसमें, मतलब फिल्म इस बात से वैसे एग्री हैं? नहीं बिल्कुल, देखिए हमारा साथ मसला ये हुआ है पाकिस्तान में कि हमारे आप देखें फिल्में बनती थी 60s 70s 80s में, तो फिल्म का बड़ा यानी हमारी फिल्में बड़ा यानी लोग देखते थे जाके, आपको याद होगा पूरे शो पूरी फैमिली जाती थी, पूरी फैमिली पूरी फैमिली हाउसफुल होते थे, बीनी कर मतलब मकरानियों के डंडे खाते थे, इसलिए ब्लैकली कट होते थे। एग्जैक्टली। और क्या उस पे हुआ क्या ये कि फिल्म बतदरी दुनिया भर में वो जदीद होती गई, उन्होंने दूसरी चीजें टेक्नोलॉजी के साथ भी करते गए, हमारे साथ मसला ये हुआ कि 80s में जो इस्लाम के नाम पे फिल्म को तबाह किया गया, आर्ट को तबाह किया, खासकर फिल्म की बात करूंगा, तो पूरी जनरेशन जो है वो लॉस्ट हो गई, फिल्म बनाने वाली भी फिल्म देखने वाली भी, यानी उसके बाद जो है कि वो यानी खुदा के लिए आई थी जब लोग बढ़ क्लासिक फिल्म थी, बीच में जो गैप था बिल्कुल, तो ये जो हुआ ना तो उससे हुआ हम पीछे रह गए थोड़े, इंडिया 100 साल से फिल्म बना रहा है, वो अपने आप को तब्दील करते रहते हैं, हमने तब्दील नहीं किया लोगों के हिसाब से, अभी तो हम जीरो से हैं, ये बिल्कुल जीरो से सफर शुरू किया हम लोगों ने, अब जो देखने वाले हैं वो भी अब वो। अच्छा दूसरी बात जो थे गालिब ने कहा था ना अंग्रेज को देख के माचिस की डिबिया देख के कैसी कौम है आग जेब में लिए घूमती है, अब सिनेमा लोग जेब में लिए घूमते हैं, मोबाइल के सिनेमा आपका अब वो लोग दुनिया भर का वो देख रहे हैं, तो अब उनको फिल्म के नाम पर हम बेवकूफ़ नहीं बना सकते, हमें अच्छी कहानी करनी होगी, हमें देखें फ्रेमिंग और ये ग्रेड वाली बात की बात है, सबसे पहले कहानी, हाँ नहीं पहले कहानी है, फ्रेम रूम तो मतलब एक आम काम वाले बंदे के लिए ना, कहानी अगर आपने अच्छी स्ट्रांग कर ली, कहानी अपने अच्छी बना ली सुनाने के लिए लोगों को, तो फिर वो बात की बात है कि वो आप क्या करते हैं। और फिर दूसरी बात कि पाकिस्तान में अभी कम बजट की फिल्में बननी चाहिए, मेरा जो वो है 300 से ऊपर नहीं जाना चाहिए आपको, क्योंकि आपके पास इतने वो यानी ग्राउंड ही नहीं है, सिनेमा नहीं है हमारे पास, सिनेमा भी इसलिए कि हमारे मतलब सिनेमा में अब सिनेमा तो कुछ बने भी थे हमारे, अब फिर दोबारा वो तब्दील होगा इसमें कि लाजमी अब उनका बिजनेस ही नहीं है ना, अब वो सिनेमा लेके बैठे क्या करें, क्या चले वहाँ पर, क्योंकि अब हमारे वो ये कि अब आप जैसे लोग हैं या बहुत से लोग हैं इंडस्ट्री के लोग कहते हैं कि यार हमारे पड़ोसी फिल्में जो मुल्क की फिल्में उनको यहाँ नहीं चलना चाहिए, उनको यहाँ नहीं चलेंगे तो हम अपना मुकाबला कैसे करेंगे, मेरे हिसाब से तो ना उनका बिजनेस चलनी चाहिए, चलनी चाहिए और हम तो राजी भी हैं, असल में वहाँ जो अभी हुकूमत आई है ना इंडिया में वो वहाँ की जमात इस्लामी है, सॉरी है वो मजहबी जो इतने उन्होंने मना कर दिया कि पाकिस्तान को फिल्में ना दें, सर वहाँ की तो बात पहले हमारे यहाँ के लोगों ने तो बाकायदा आपको देखे बड़ी वो तहरीकें चला दी थी, बड़े जलसे निकलाए थे कि भाई कि वो चला के हम अपना बिजनेस क्या लोग सारे उसे भी चले जाएंगे, देखिए उसका नुकसान हुआ ना आपको, अगर वो 60s में आपने फिल्में बंद कर दी थी इंडिया उसका नुकसान हुआ, एक पुरानी फिल्म महल में दिख रहा था हमारा साहब इतनी खूबसूरत लाइटिंग ब्लैक एंड फुल ब्लैक एंड फिल्म मोहम्मद उनके साथ बड़ा काम कर रहे थे, यानी वो मुझे बहुत यानी हैरत हुई कि इतना अच्छा काम रहा था, फिर देखें वो लोग आगे आते और उनके शागिर्द आगे आते इंडस्ट्री कहाँ खड़ी होती, और बहुत सारी चीजें ऐसी हो गई हैं साहब इसमें कि पहले हमारे पास कुछ हमारे ना खौफ बहुत ज्यादा है, प्रोड्यूसर रिस्क लेने को तैयार नहीं है, डायरेक्टर्स जो है वो क्योंकि प्रोड्यूसर्स से जब तक प्रोड्यूसर्स नहीं आएंगे डायरेक्टर्स आगे नहीं बढ़ेंगे, और फिर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमारे जेब में मोबाइल, जैसे आतिफ भाई ने कहा हमारे पास मोबाइल है जेब में, टीवी हम देख रहे हैं, मीडिया में हम चीजें देख रहे हैं, हम वो स्टार ही नहीं बना पा रहे जो फिल्म स्टार, क्योंकि फिल्म स्टार आपको गेम शो में भी नजर आएंगे
आएंगे, फिल्म स्टार आपको टीवी में भी नजर आएंगे, वही लोग आपको टीवी में दिख रहे हैं, वही गेम शो में दिख रहे हैं, वही आपको ड्रामों में दिख रहे हैं, वही सोशल मीडिया में दिख रहे हैं, और क्योंकि ड्रामा एंड फिल्म आर टू डिफरेंट थिंग्स, तो वहां लड़कियों की लिमिटेशन भी होती है। अब वो कहती है कि हमें, और सबसे बड़ी बात होती है इंस्टाग्राम, इंस्टाग्राम में वो कहती है जी हम तो अपनी अम्मी की प्यारी बेटी वाला इमेज बना के रखना है क्योंकि हमें ड्रामा भी करना है, तो ना वो फिल्म कर पाती है और ना ही वो ड्रामा कर पाती है, जिसकी वजह से हमारे पास आर्टिस्ट नए बन ही नहीं रहे, प्रोड्यूसर डायरेक्टर्स नए रिस्क लेने खुद से तैयार ही नहीं कि नए लोग पे लोग, अभी भी होता है कि ये नाम ले ले तो फिल्म चलेगी, नहीं आपको नए लोग, इंडिया भी तो स्टार्स बनाता है, रिस्क लेता है, तो हमारे यहाँ खौफ बहुत ज्यादा है। मुझे लगता है कि अगर प्रोड्यूसर हजरात जो है वो अपना खौफ खत्म करके और एक इंडस्ट्री बनाएंगे ना प्रॉपर, जिसके अंदर लोगों को बाकायदा आप बार बार उनका स्क्रीन टेस्ट लें, उनका आप ऑडिशन लें, नए लोगों को आगे बढ़ाएं, आप वहां पर आप देखें इंडिया में जब मैं गया हूं तो वहां पर एक ऑडिशन के लिए वहां पर 50-50 लाइनें लगी हुई होती हैं और वो सबके ऑडिशन देके निकालते हैं, तो यहाँ भी ऐसी ऑडिशन, यहाँ बहुत सारे लोग हैं जो अब टिकटॉक वाले में देखो ज्यादा बेहतर एक्टिंग करते हैं, क्यों आते अच्छी एक्टिंग करती है, तो नए फेसेस हैं, नए प्यारे लोग लेके आए, क्योंकि हमें यंगस्टर की भी कहानी बनानी है, हमने हर तरह की हमें जॉनर तभी हम दिखा सकेंगे जब हमारे पास लोग होंगे। सही है, असल ये हमारे मसला यही तो है कि अब हमारे यहाँ क्योंकि टीवी पे जो काम कर रहा है वो टीवी का अदाकार है, टीवी एक्टर है, और फिल्म में जो काम है वो फिल्म स्टार होता है, जी फिल्म का स्टार होता है हमेशा, अब वो फिल्म वाले हमारे स्टार जो हमारे स्टार नहीं बन रहे, एग्जैक्टली अदाकार एक्टर तो बन रहे हैं, टीवी के अदाकार बन रहे हैं, स्टार्स नहीं बन रहे। मैं हमेशा से यही फिल्म की जब बात चलती तो मैं यही कहता हूँ, मैं मोहिब से मेरी ये बात हुई थी, असफर से मेरी ये बात हुई, तमाम लोग ये मैंने हमारे फिल्म स्टार बनाने की कोई मतलब कोशिश नहीं कर रहा, exactly. अगर बने तो फिर हमारे इंडस्ट्री फिल्म की इंडस्ट्री अलग बनेगी, exactly. अब वो बंदा देखता कहता है यार अब उसने 8 से 9 बजे ड्रामा देखा, तो देखा यार वकार इसमें मौजूद है, वकार का वही फिल्म नजर आ रहे हैं, अब वो पता चला रात को उनके बुकिंग कराई है, अब रात को वकार उसी में वकार भी है, हम कहते हैं यार जब घर में आ रहे तो हम क्यों देखने जाएंगे, हकीकत नहीं है, हकीकत है इसका खेल ये भी है, देखिए दुनिया भर में जो शाहरुख खान टीवी एक्टर था, असल चीज ये कि किरदार करैक्टर वो इतना मजबूत और इतना लार्जर देन लाइफ हो, लेकिन आज भाई आप देखें कि शाहरुख खान ने ड्रामा जरूर किया, बट शाहरुख खान ने जब फिल्म शुरू की तो वो ड्रामा नहीं आया, क्योंकि उसे पलटा नहीं, क्योंकि वो एक स्टेप आगे चला गया। आप देखिए वहाँ के हमारे यहाँ शुरू में हमारे यहाँ भी तो हमारे मतलब टीवी तो था ना, टेलीविजन था, हमारी फिल्म भी थी, टेलीविजन तो 67 में आया, फिल्म तो 80s में जाके बंद, मतलब सारे कभी आपने देखा कोई नहीं आया, मोहम्मद नदीम साहब जब टीवी फिल्म खत्म हो गई तो टीवी तरफ आए, वो वरना नाम वहीद मुराद, नन्ना, शिवाना, दीबा, मतलब रोजीना, कभी किसी को देखा टीवी में, आज भी आप देखेंगे 20 साल दरमियान में 20 साल रहे, वो एक अरसा रहा 80 के बाद ही फिल्म हमारी जो फ्लॉप हुई है, तो वो इंडस्ट्री में कहा है, आप देखें अभी भी रीमा हमारे लिए स्टार है, मीरा हमारे लिए स्टार है, हमारी ये स्टार मोहम्मद राना हमारे स्टार है, शान हमारे स्टार है, तो जब तक आप, अब शान का एक ऑरा इतना स्ट्रांग है, ये इज द सुपरस्टार, शान को देख के बाकी लगता है कि हम वो हॉलीवुड, हॉलीवुड नहीं लगता, तो आप वो उन लोगों को लेना चाहिए और नए लोगों को लाना चाहिए आगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, लेकिन हमारे यहाँ क्योंकि हम लोग की आवाज बहुत छोटी और बहुत पतली और बहुत बारीक है, तो हमारे लिए हमारी बात सुनना लोगों के लिए, बीइंग अ मेकअप आर्टिस्ट मैंने उन लोगों के साथ भी काम किया है, मैंने एस सुलेमान साहब के साथ, जावेद फाजल साहब के साथ, मैंने बहुत सारे बड़े लोगों के साथ काम किया, तो एक एक्सपीरियंस आता है बीइंग अ मेकअप आर्टिस्ट आपको काम करने का इतने सारे लोगों के साथ, तो अब कहानी की जरूरत है और अभी रिस्क लेने की जरूरत है, आपको नए लोग, नई चीजें, आप देखें आतिफ भाई ने सब नए लोग, कोई इसके अंदर बहुत कोई सुपरस्टार कोई भी नहीं है, सबको अब लेकिन आप देखिएगा इंशाल्लाह इस फिल्म से लोग स्टार बनेंगे, क्योंकि उसके अंदर उन्होंने हर कैरेक्टर को एक नगीने की तरह फिट किया, आप जब वो फिल्म देखेंगे, ये सिर्फ इसलिए नहीं कि मैं इस फिल्म में हूं तो मैं आपको इसकी तारीफ कर रहा हूं, लेकिन जब मैंने इस फिल्म के कैरेक्टर से आप मिलेंगे और आप देखेंगे तो आप उनसे आप रिलेट कर सकेंगे कहानी को, उन्होंने इस तरह उसको जोड़ा है, तो मैं कहता हूं कि रिस्क भी तो आतिफ भाई ने भी परी के अंदर सब नए लोग लिए थे, अभी भी नए लोग, तो क्यों नहीं नए लोग आप इंट्रोड्यूस कराएं, तभी तो आप कहानियां बनाएंगे, परी भी जो अच्छी चली थी उसमें, बहुत अच्छी चली थी, मतलब जुनैद थे, अजीका थे, सब फिल्म की तरफ देखे ना, जुनैद का कैरियर बना उस फिल्म के साथ, अजीका को कितना मालिश मिला इसके साथ, बहुत जबरदस्त, अच्छा बहुत जबरदस्त रहा, चलिए बड़ी अच्छी गुफ्तगू चल रही, और बिल्कुल इसके साथ साथ एक छोटी ब्रेक हम लेंगे, ब्रेक में थोड़ा टाइम है अभी, और ये मैसेज हमारे पास है जो कमेंट्स आप हमें करते हैं उस पर, और ये कमेंट्स में जनाब इस वक्त आप, उसके अलावा अगर आप चाहें तो आप हमें
3636 पर मैसेज भी कर सकते हैं, एसएमएस भी कर सकते हैं। एसएमएस करने का तरीका बहुत आसान सा तरीका है, आपने, आपको पता ही, अब तो पुरानी सी बात हो गई है कि आपने जाना अपने मोबाइल के राइट न्यू मैसेज ऑप्शन पर जाना है और वहाँ पर जाकर सबसे पहले आपने लिखना है कि HI सिंगल स्पेस देना है, अपना मैसेज लिखिएगा, अपना नाम लिखिएगा और सेंड कर दीजिएगा 3636, यानी कि 3636 पर आपने अपना मैसेज हमें भेजना है और बिल्कुल इंशाल्लाह ताला आपका मैसेज हमें मिलेगा, हम शामिल करेंगे। इस पर जनाब ये हमारे बड़े प्यारे दोस्त हैं, बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं ये मोहम्मद शाहिद, और ये हमें इस वक्त देख रहे हैं। और शाहिद माशाल्लाह अपने वक्त के जब स्टेट ड्रामों का दौर था, स्टेट ड्रामे बहुत इन्होंने किए और बड़े सीनियर जो हमारे फोटो शोबिस के जर्नलिस्ट ये रहे हैं मोहम्मद शाहिद है, और द टाइम्स ऑफ में उससे कराची से इनका ताल्लुक भी था, बहुत सारे ड्रामों से प्रोड्यूस भी करते रहे ये। तो कहते हैं अस्सलाम वालेकुम मेहमानों को खुश आमदी। वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया शाहिद साहब। शाहिद टाइम्स और शाहिद भाई जो है अभी कुछ 12-13 साल से शाहिद भाई के साथ कुछ आँखों की प्रॉब्लम है, आँखों की रोशनी इनकी चली गई थी, तो अब ये कि वो माशाल्लाह थोड़ा सा धीरे धीरे थोड़ा सा कलर अब जो है वो महसूस होने शुरू हुए। तो शायद भाई हमारी बहुत सबकी बहुत सारी दुआएं, अल्लाह ताला आपको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, आप मेरे लिए दुआ कीजिएगा, हम आपके लिए दुआ। शायद साहब अगर आंखों का आपका मसला है तो मैं एक आपको बताता चलूँ, एक यहाँ पर क्लिनिक है जिसमें डॉक्टर बर्ग हैं, अगर आप सेलेक्ट कर उनको सर्च करें डॉक्टर बर्ग, उनके पास एक नई टेक्नोलॉजी आई है कि अगर आपकी मोतिया या आंखों की रोशनी किसी वजह से चली जाए तो लेज़र के थ्रू उसको दोबारा रिवाइव किया जा सकता है। मतलब कई साल हो गए हैं जी। डॉक्टर बर्ग होते हैं ये बिल्कुल लासानिया रेस्टोरेंट के बिल्कुल बैक पेन कॉलेने के, और बहुत अच्छा उन्होंने, मेरी अम्मी का भी यही मसला था तो उन्होंने सब चीज़ें उसको ठीक किया। चले शायद भी जरा देखिए हो सकता है, अल्लाह ताला हो सकता है कि कभी कभी ऐसी कहते हैं ना कि ऐसी तरह लिंक मिलता है तो अल्लाह ताला हो सकता है कोई वसीला बना दे, तो ज़रूर आप देखिएगा और बात करके देखें हो सकता है। उसके अलावा ये हमें फेसबुक पर हमें ज्वाइन किया। अच्छा इसके अलावा करते कि हम चले छोटी सी एक पहले मैसेज पढ़ते हैं, खान का मैसेज है जी FM अड्डे, थैंक यू सकीना खान ने ज्वाइन किया, और अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम, कैसी तबीयत है? अल्लाह के शुक्र तबीयत ठीक है, बेहतर है, बस आपको दे जाए तबीयत थोड़ी सी बेहतर हुई है, हमने चलना शुरू किया वॉकर से, हमने कहा चले फ़ौरन पहुँचते हैं तो अब बस पहुँच जाते हैं, आपके अल्लाह का शुक्र है क्योंकि माशाल्लाह FM 100 पर मुझे सहारा देने वाले बहुत सारे लोग हैं, यहाँ मेरा काम करने वाले बहुत सारे लोग हैं, जब मैं यहाँ आता हूँ तो सब माशाल्लाह मेरे आगे पीछे होते हैं, कोई गेट खोलता है, कोई मुझे पकड़ के ऊपर लेकर आता है, तो माशाल्लाह सब मेरे साथ मौजूद है माशाल्लाह से। तो जनाब और इसके बाद शबाना अंजुम ने ज्वाइन किया, सलामत रहिए जज़ाकल्ला जी, ज़बरदस्त प्रोग्राम है माशाल्लाह। काशिफ अंसारी ने हमें ज्वाइन किया कि गुड आफ्टरनून, थैंक यू जी। उसके बाद अदनान अंसारी कहते हैं नाइस शो अजमल भाई, और मेहदी हसन का सॉन्ग लगा दें। सर मेहदी हसन का सॉन्ग तो नहीं लगाऊंगा क्योंकि इस प्रोग्राम में मैं सॉन्ग लगाते नहीं हूँ, इस प्रोग्राम में मैं हमारे मेहमान जो होते हैं इनसे सुनते हैं, इनसे बात करते हैं और इन्हीं से गपशप हो रही होती है, तो यहाँ पर जो आपको बताया कि वो म्यूज़िक का प्रोग्राम नहीं होता, ये तो एक गपशप है हमारी, एक लाइव हमारी चिट चैट होती है इंडस्ट्री के हवाले से, जो फनकार आर्टिस्ट आता है उसकी फील्ड के हवाले से तो हम वो करते हैं। तो इंशाल्लाह ताला कुछ सवाल आपके जहन में, अगर आपने वकार को देखा है और वकार को जानते हैं तो वकार के हवाले कोई सवाल आपके जहन में है, या फिल्म के हवाले से कोई सवाल आपके जहन में इंडस्ट्री के हवाले से, तो आप बिल्कुल हमें बताएं, आप लिखकर भेजें, इंशाल्लाह ताला हम उसे शामिल करेंगे। एक छोटा सा जो है वो ब्रेक ले लेते हैं, और चाय पहुँच चुकी है, चाय पीजिए। कौन सी जनाब FM मिनट की चाय है ये? On the way for commercial break. Stay tuned. You're listening to 100 on the FM dial. We are Pakistan's number one sound. FM 100. FM 100. Number one on the FM dial. Karachi, Lahore.
जी जनाब, ब्रेक के बाद हम आ चुके हैं दोबारा। खुश आमदीद, अस्सलाम वालेकुम, और अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। और आपको पता है कि इस बात हम कर रहे हैं कुछ इंडस्ट्री के हवाले से भी है, ड्रामा इंडस्ट्री के हवाले से भी। और हमारे साथ माशाल्लाह हमारे बड़े सीनियर जो है डायरेक्टर मौजूद हैं, प्रोड्यूसर जनाब सैयद आतिफ अली मौजूद हैं, उसके अलावा फिर माशाल्लाह बड़े सीनियर मेकअप आर्टिस्ट जो हैं वकार हुसैन मौजूद हैं, और ये फिर उसके अलावा ये मेकअप आर्टिस्ट के अलावा माशाल्लाह बड़े सीनियर जो है एक्टर भी हैं। मैं वकार आपसे थोड़ा पूछना चाहूँगा, वकार एक्टिंग की तरफ आप कैसे आए? मतलब ये माशाल्लाह आप एक एज ए मेकअप आर्टिस्ट तो आप फील्ड के साथ थे या बड़े पुराने माशाल्लाह 22-23 साल से, तो एक्टिंग की तरफ कैसे आपका रुझान कैसे हुआ? किसने कहा कि यार आप ये इधर आ जाओ तो ज़्यादा अच्छा? सबसे पहले तो आतिफ भाई ने कहा था कि तुम्हें एक्टिंग करनी चाहिए। मैंने कहा अरे आतिफ भाई कैसी बातें कह रहे हैं, आपका कहाँ मैं कहाँ एक्टिंग। तो मैंने कहा देखिए आर्टिस्ट को संवारने तक ठीक है, एक्टिंग करना थोड़ा मुश्किल है। फिर ऐसा हुआ कि मारिया वास्ती से मेरी बहुत दोस्ती है, तो उनके एक सेट पर मैं एक दफ़ा गया उनका मेकअप करने के लिए। तो वहाँ पर डायरेक्टर फसी मजर मोइन और फसी बारी खान, इन दोनों का एक प्ले चल रहा था ईद का। तो उनको मैं मारिया को उतना बता रहा था कि मारिया देखो यहाँ के एक्टर ऐसे होते हैं। अच्छा। कहने आप करेंगे एक्टिंग? मैंने कहा नहीं जी मैं नहीं कर सकता। तो उन्होंने कहा एक टेलीफिल्म तो करें। वो टेलीफिल्म हमने की, वो हिट हुई, तो उन्होंने मुझे ड्रामा ऑफर कर दिया। अच्छा, मैंने तो ऐसी बेदिली से किया, मैंने कहा चले कह रहे तो कर लेते हैं, दोस्त हैं और पैसे भी दे रहे हैं अच्छे। मैंने 10 एपिसोड के बाद मैंने कहा आप बस 12 में ना मुझे मार दीजिएगा। बेसिकली 25 एपिसोड का वो था। कौन सा? कुद्दूस साहब की। अच्छा, 25 एपिसोड का। मजहब मोइन का। फिर उसके बाद जब 10-12 एपिसोड जब ऑनियर हो गई ना, इसके लोग तो मुझसे तस्वीरें खिंचा रहे, तो बस फिर वो मुझे लगा कि तो करना चाहिए। वो होते फिर होता ही है, लेकिन फसी और मजहर दोनों कैसे हैं, और मैं तीन एक प्लेयर फसी मजर है ना, इन तीनों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। और बड़ा मुश्किल होता था मुझे कि ये देख के डायलॉग बोल दो, हाथ देख के, तो मेरी मुश्किल होता था, उन्होंने बहुत हेल्प किया मुझे। और फिर मेरा क्योंकि एज ए मेकअप आर्टिस्ट भी काम ज्यादा होता था, वो भी मुझे बहुत अकोमोडेट करते थे। बस होते 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 फिर ये एपिसोड 300 तक पहुंच गया। बहुत लंबा। अच्छा भाई, वो मैं कुदरत साहब की बेवा, वो बेवा से पाकिस्तान नहीं, बेवा तो पूरे दुनिया में, पूरी दुनिया। अच्छा, मुझे बहुत लगता था कि ये डिफरेंट डार्क जॉनरा का है, और ये 10:30 बजे चलता था पहले, फिर बाद में प्राइम टाइम पे आया, लेकिन उसके बाद लोगों ने पूरे इंटरनेशनली इसको बहुत देखा। तो ये मतलब कैसा रहा जब शूट के दौरान, कैसे तजुर्बा रहे, कोई बड़ी चीज़ें कि लाजमी उसमें करेक्टर आपका बिल्कुल अलग, करेक्टर ही अलग था बिल्कुल। कुद्दूस साहब में ऐसे कुद्दूस साहब के कुद्दूस साहब के अंदर ये था कि वो कैरेक्टर जिससे आतिफ भाई ने मुझे एक्सप्लेन किया था, फसी ने भी मुझे एक्सप्लेन कर दिया। अच्छा। था उसने कहा था देखो ये फेमिनिन है बट ही इज नॉट अ ट्रांसजेंडर, ही इज फेमिनिन एंड ही इज इनोसेंट, ही डोंट नो अबाउट एनीथिंग, उसको कुछ नहीं पता कि दुनिया में क्या हो रहा है, वो घर में रहता है, तो वो एक बहुत घरेलू सा बच्चा है, तो उसकी मासूमियत कि वैसे वो चीजें, वो कैरेक्टर मुझे लगता है कि ज्यादा पॉपुलर हुआ। तो कैसे थोड़ा कोई एक तो जरा आपको तो ये करेक्टर आपको तो ऐसे कि लोग लोग तो वही देख के उसमें बहुत सारी चीजें ऐसे, जैसे मैं अक्सर बोलता था कि रुअफजाबाजी क्या है, क्यों आप ऐसा कर रही हैं, तो ये रुअफजाबाजी लोगों को बहुत पसंद आया। कुछ चीजें ऐसी थी जो अम्मा और रुअफजा के साथ कैरेक्टर थे, वो लोग अम्मा से जो आपकी जो वो बड़ी मजेदार उसमें पता है फसी क्या करती थी, फसी ने लिखा हुआ इतना खूबसूरत था कि मुझे वो करने में मुझे बहुत मजा आता था। अच्छा, फसी माशाल्लाह इतना जबरदस्त लिखने राइटर है। वो बात है कि जब वो एक दफ़ा मैंने देखे, मैंने फील किया बहुत सारे ड्रामों में ये कि मैंने देखा कि जब वो मतलब एक एपिसोड को देख लेता है करेक्टर को, तो फिर यकीन है दोबारा उसको रीराइट करता, उस करेक्टर को रीराइट करता होगा देखने के बाद, क्योंकि वो नेक्स्ट करेक्टर में फिर वो लगता है कि यार ये इसको दोबारा बनाया गया है, फिर क्योंकि वो एक बार पता चल जाता है कि बंदा किस पानी में है। और देखिए हमारे फसी जैसे इतने बेहतरीन राइटर्स हैं, और फसी की अगर आप कोई छोटी टेलीफिल्म भी उठा के देखें तो वो एक पूरी फिल्म का एक है, लेकिन हमारे यहाँ वही नहीं, खौफ डर है, हमारे यहाँ लोग आगे नहीं बढ़ने देते, आप रिस्क नहीं देते। मैं कहता हूँ ऐसे जो पुराने जो लोग हैं उनको लाएँ आगे, उनको सपोर्ट करें, उनको आप फाइनेंशियल सपोर्ट करें, आप देखें आपका सिनेमा क्यों नहीं रिवाइव होता। अब इससे आतिफ भाई ना, मैं कहता हूँ आतिफ भाई को आप लेकर आएँ, आतिफ भाई को आप फाइनेंस करें और उनके ऊपर छोड़ दें कि वो कौन से कैरेक्टर के लिए किसको पिक करते हैं और वो किस नए लोगों को किस, क्योंकि ये लोग एक्सप्लेन ऐसा करते हैं। आप देखिए जब रानी आप मेरा कैरेक्टर देखेंगे ना, आपको उसमें 0.00% भी वकार नजर नहीं आएगा, क्योंकि उन्होंने उसमें से निकाल के उसको फेंक दिया। उन्होंने कहा देखो मुझे रानी ऐसी चाहिए, बिल्कुल सही। और उन्होंने हालांकि मेरी इनसे बेहतरीन दोस्ती है, मगर ऑन सेट ही इज माई डायरेक्टर, और वो मुझे एक चीज बताते थे कि देखो तुमने ये मुड़ना है, ऐसे बोलना है, ये अदा आएगी, ये चीज आएगी, कोई जरूरत नहीं है बिला वजह आवाज बनाने की, नॉर्मल उसमें बोलना। तो वो उन्होंने इस कैरेक्टर को आप देखेंगे ना जब, तो आपको लगेगा कि एक औरत ही है ये उसके अंदर।
तो मैं कहता हूँ ऐसे लोगों को आप सपोर्ट करें ताकि ये हमारा फिल्म सपोर्ट हो हमारे पता हमारे फिल्म में आती भाई खासतौर पर हमारे मैंने देखा हमारे यहाँ फिल्म में फिल्म अगर जो थोड़ा काम कर भी रहे हैं जो हमारी नई जनरेशन के जो डायरेक्टर कर भी रहे हैं मगर वो उनके पास कहानी नहीं है असल में बेसिकली अगर काम तो अच्छा कर भी रहे हैं थोड़ा बहुत कर ही लेते हैं चलो कैरेक्टर अब क्या करे बंदा कुछ आगे पीछे करके मगर कहानी भी तो लाओ कहानी कुछ नहीं है मतलब अब अगर चार फिल्में एक साथ चले तो चारों में वो एक ही चीज़ होगा मतलब आप कुछ तो कहानी चेंज करो कुछ तो चेंज लेकर आओ ना कम से कम यार जब ये कहानी मैंने सोची तो कि हॉरर कॉमेडी बननी चाहिए तो असल में अक्सर ज़्यादातर मैं और वाइफ हम दोनों कहानी बनाते रहे होते हैं तो बनते हैं तो कहानी जब बन गई तो मैंने दो राइटर और शामिल किए इस फिल्म के अच्छा एक है मोहम्मद यासिर यासिर अहमद और एक है मोमिना मजीद अच्छा तो इनको मैंने कहा कि यार दुनिया भर में ही होता है कि फिल्म की कहानी दो तीन लोग मिलकर मिलकर लिखते हैं ताकि अगर मैं कहीं लैक कर रहा हूँ कि भूल रहा चीज़ें तो वो याद दिला दें हाँ। तो मैं उनको फिर हमने क्या किया मैंने कहा देखें कहानी मुकम्मल है इसकी मंजरनामा और उसके इसको अब बनाना है कि कहाँ लेके जाना है किस तरह सीन बाय डिविजन करनी है तो उन दोनों को लेके मैं हम हैदराबाद चले गए वहाँ हमने कमरा लिया और उसमें तीन बेड लगाए एक बड़ा सा कमरा लिए और हम एक हफ्ते तक इस कहानी के साथ रहे तो पहला ड्राफ्ट हमने वहाँ बनाया फिर इसके चार ड्राफ्ट बने थे फिर दूसरा हुआ फिर तीसरा फिर फाइनल ड्राफ्ट मैंने फाइनल किया उसके बाद ये कहानी तो उसमें इस कहानी के बावजूद बनाने के बावजूद जब ये फिल्म टेबल पे आई एडिट पे तो ये 2 घंटे 45 मिनट की अच्छा तो वहाँ पर मैंने चॉप किया तो डेविल लिन कहते हैं ना कि डायरेक्टर को अपनी सीन से मोहब्बत नहीं करनी चाहिए बिल्कुल सही क्योंकि वो फिर फंस जाता है तो हमने चॉप करके इसको लेके आए ये पूरी 2 घंटे फीचर लेंथ फिल्म है अच्छा और भरपूर फिल्म है कोई सीन ऐसा नहीं है कि इसमें कि जो आपको बोर कर दीजिए मैं इंशाल्लाह कि ये अल्लाह माफ़ करे कि बड़ा बोल नहीं है लेकिन ये है कि ये इतनी फास्ट पेस है कि आज जब देखेंगे तो आप कहेंगे अरे वक्त गुजर गया और कहानी के साथ कि आप को कुछ ना कुछ होता हुआ नज़र आ रहा होगा मुसलसल कुछ हो रहा है मैंने मैसेज आल्सो मैंने कुछ मतलब अब तो मैंने कुछ अर्से से फिल्म नहीं देखी मतलब कि गुस्से एक दो फिल्म मैंने देखी जब मैं और इत्तेफाक से वो पहला शो ही देखने मैं चला गया मतलब वो सुपर स्टार्स की फिल्म थी ये नहीं कि छोटे मोटे उनकी मतलब बड़े स्टार्स की फिल्म थी वो उसके बावजूद फिल्म जब मैंने देखी तो फिल्म देख के मुझे ऐसे लग रहा है जैसे मतलब फिल्म देखते देखते नींद आ रही ड्रैग हो रही बिल्कुल वो कहानी में कुछ नज़र नहीं आ रहा है सिवाय मतलब एक विजुअल का कुछ भी उस कुछ कहानी ऐसा लग रहा है कि यार ये क्या अभी ये फिल्म ही फिल्म पता नहीं कब चलेगी बोलेगा कौन ही क्या होगा ये कौन सी फिल्म चल रही ये तो लगता है सिर्फ ऐसी पिक्चर चल रही तो हमको सीन देखते हम कहते हैं अच्छा सीन है उसके बाद फिर कहते हैं यार ये लंबा कर दिया फिर हम कहते हैं ड्रैग कर दिया हाँ, ये तो मैंने ही सोचा जगह हाँ अच्छा सीन है बस वहीं काट दिया ना ये और ये मतलब वो जहाँ अच्छा निकल गया ना वो उसको वहीं खत्म हो जाना चाहिए पूरा हो गया क्योंकि वो अच्छे से आगे निकल के फिर उसके बाद फिर वो ड्रैग फिर लंबा फिर ड्रैग हाँ वो ये हकीकत ही है ये हमने ये किया फिल्म के साथ बहुत अच्छा यही बात है क्योंकि यही मैंने देखा कि मैं यही बता रहा हूँ कि बहुत सारी फिल्में जो इस पर चली हमारी वो इसी वजह से फ्लॉप हुई हैं क्योंकि उनमें कोई कहानी कुछ नहीं है शायद वो चल भी जाती हैं आगे मगर ज्यादा जोर कहानी कहानी होती है कहानी आप मजबूत बना लेंगे उसके बाद 50% काम तो हो गया आपका बेसिक तो वही है ना आपकी बुनियाद तो कहानी है ना लोग आपके जो आपको अट्रैक्ट करेंगे जो पब्लिक को लेकर आएगी वो कहानी तो है मतलब एक दो बजे देख कर जा रहे हैं वही तो जाके बता अभी यार क्या कहानी अबे क्या स्टोरी यार अबे क्या चीज़ है यार मैंने पहली बार देखी है तो ये वही अच्छा नहीं यार तो ये है अब एक अबे यार अब क्या बोर पता है क्या आप दोस्तों से जाएंगे अपने लौंडे लपड़े जो सर पैसे कौन देगा उनके नहीं दो, अब दोस्त पूल मशवरा देंगे दोस्तों के जाएंगे भाई उनको इतनी महंगी फिल्म नहीं नहीं ये है कि पैसा वसूल फिल्म पैसा वसूल और फैमिली भी जाएगी तो उसमें कोई ऐसी चीज नहीं है फैमिली के साथ अच्छा पैसे मतलब बात ये हकीकत भी है कि इस वक्त जो हालात ऐसे चल रहे हैं कि फिल्म बड़ी महंगी हो चुकी है और महंगाई अब देखें इस वक्त क्या महंगाई है अब इस दौर में अगर कोई फिल्म देखने जा रहा है तो वाकई वो यूँ समझ लें कि वो हम पे एहसान कर रहा है फिल्म बनाने वाले पे एहसान कर रहा है वो अगर वो जा रहा है तो क्योंकि वो फिल्म इस वक्त इतनी महंगी हो चुकी है कन्वेंस इतनी महंगी हो चुकी है हर चीज़ इतनी महंगी है अब अगर चार बंदों के साथ बंदा जाता है अपनी फैमिली के तो उसको 10,000 तो चाहिएगा ही कम से कम चाहिए 10,000 रुपये अब 10,000 रुपये वो अगर फिल्म देख के आ जाएगा बाकी 20 दिन रोजे रखेंगे घर पे तो वो क्या करे मतलब ये भी हालात है लोग हमारे जैसे इंडिया में है ना कि बहुत फिल्म बन रही है और फिल्म सस्ती है हर बंदा देख सकता है जो ठेला भी लगा रहा है ना वो भी देख रहा उसकी भी ख्वाहिश होती है कि शाम में जाके फिल्म देखूंगा तो हमें उस लेवल पे अपनी फिल्म को लाने के लिए भी बहुत काम करना
500 कर दो टिकट भाई, मतलब दो दोस्त 1000 रुपए फिल्म देख के साथ, ये फिल्म अगर इतनी महंगी करेंगे और उसके बाद फिर कहें यार कि हमारी फिल्म हिट हो जाए, कहाँ से होगी यार? आप कहोगे यार अब हमने 5 करोड़ लगा दिए यार, अब 6 करोड़ की फिल्म मैंने बना ली, तुमने बना ली, तुम ये तो देखो उस फिल्म का आगे होगा क्या, वो 6 करोड़ के लिए लोगों को लाओगे कैसे वहां तक? लोगों जेब में पैसा भी तो होना चाहिए, लोगों को इतना कोई सहूलत भी तो लोग वहां तक आएंगे। अब लोग कोई बात है, अगर आजकल के हालात में अगर कोई बेचारा कमा रहा है, चार फैमिली की चार लोगों के साथ जाता है, तो वो 10,000 रुपये कहाँ से देगा? वो आने जाने के लादमी, उसको गाड़ी, अगर गाड़ी भी है तो, अब गाड़ी भी है तो भी पेट्रोल महंगा है, exactly. तो, और वैसे भी कन्वेंस में जाता है तो कम से कम जाएगा तो कम से कम 1000 जाने 1000 आने के तो कम से कम लगेंगे ना बेचारे के। मैं तो कहता हूँ प्रीमियर पे भी ना टिकट लेने चाहिए तमाम एक्टर्स को, क्योंकि आधे लोग तो फ्री में देखते हैं, इतना कम से कम एक्टर्स को, उन्होंने एक्टर ने काम किया, एक्टर ने काम किया ना, पैसे लिए ना, पैसे लिए तो उनको चाहिए यार बिल्कुल हमारी फिल्म है, हमने पैसे लेने हैं, हमें पैसे देने चाहिए। ये एक सबको प्रीमियर पे पैसे देके फिल्म देखनी फिल्म भाई, ये अच्छा, ये पता नहीं हकीकत है, ये बहुत अच्छी बात की वकार, ये बहुत अच्छी बात, मैं चाहता हूँ ये डेडिकेशन है, ये एक सही डेडिकेशन होनी चाहिए, मेहनत से फिल्म बनाई है, चाहे हम पैसे देके देखेंगे यार, अब जो इतने सारे लोग जो फ्री में फिल्म देख लेंगे तो आधे लोगों ने देख ली, उन लोगों का सरमाया कहां जाएगा, उनको भी पैसे देके, एक शो कॉन्ट्रीब्यूशन, एक शो जो है अगर 250 उसमें लोग हैं तो वो एक शो के तो गैर आपका फ्री में चला गया ना वो भाई, अगर आपने एक्टर ने पैसे लिए ना काम करने के, लोगों ने पैसे लिए, टेक्निकल तमाम लोगों ने पैसे लिए, तो यार आप डेडिकेशन करके कम से कम कुछ, आपने तो 50% पे आप ले यार, क्या यार 50% पे ये पूरा हॉल जितने लोग हैं प्रीमियर में सब 50% पे होंगे, कुछ तो फायदा होगा कम से कम, कुछ तो कहीं यार वो मैं फंसा हुआ। चले हम ब्रेक लेते हैं, 4 बज चुके, देखे पता नहीं चले 4 बज गए, और हम आते हैं एक अपने ब्रेक के बाद दोबारा आते हैं, और जब तक मैं भी चाय पी लूँगा, आप भी चाय पी लेंगे पी रहे हैं या कुछ गपशप कर रहे हैं तो वो भी करें, हम मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। On the way for commercial break. Stay tuned. You're listening to 100 on the FM dial. We are Pakistan's number one sound. FM 100. FM 100. Number one on the FM dial. जनाब मुलाकात अजमल शोभी के साथ एवरी सैटरडे आप सुनते और देखते हैं मेरे साथ। इस वक्त मैसेज जो है कमेंट्स हमारे पास हैं फेसबुक पर, फैसल सूरी के कमेंट्स हैं, कहते हैं अजमल भाई कैसे हैं आप? जी मैं ठीक ठाक हूँ अल्लाह का शुक्र। कहते हैं तबीयत कैसी है? तबीयत बेहतर अल्लाह का शुक्र आपकी दुआओं से माशाल्लाह। आतिफ भाई भी आए हैं, अच्छा जी जनाब सलाम टू ऑल जी। थैंक यू। तो ये आतिफ तो कोने में बैठे हैं यार, मैं इधर बैठा हूँ, बीच में वकार नजर नहीं है आपको?
यार ये तो बेचारे सेंटर में बैठे हैं, ये सेंटर वाला तो पहले कैमरे में सेंटर में पहले नजर आने चाहिए। लेकिन फ्रेम तो वर्क फ्रेम ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, हाँ, फ्रेम आता रहेगा ज्यादा। और काशिफ अंसारी थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया काशिफ आपका, थैंक यू जजाकल्लाह जी। उसके बाद कहते गुड आफ्टरनून, और अदनान अंसारी कहते नाइट शो अजमल भाई। मेहदी हसन का गाना तो आपको पता कि वो अब मेहदी हसन साहब, मेरा जो मंडे का नाइट में प्रोग्राम होगा इंशाल्लाह मंडे ट्यूजडे, तो आप रात को सुनेंगे, रात को आपको सुनाएंगे। शबाना जो हमें लाहौर कैंट से हमें देख रही हैं, कहती हैं अजमल खान साहब आदाब जी, आदाब, तस्लीमात, सलामत रहिए, थैंक यू जजाकल्ला जी। और अच्छा आतिफ भाई ये बताएं, आपकी फिल्म में पीछे तो देखो जी, अब देखने पड़ेगा मजबूरी, क्या करें, पीछे कोई देखने में अच्छी चीज़ नजर आई तो अलग बात है, इंशाल्लाह। तो उसमें म्यूज़िक भी है उसमें जी, म्यूज़िक है, और म्यूज़िक में जो गाने हैं, जो नगमे लिखे हैं वो शमी बाज़ल साहब ने, बेहतरीन गुलूकार हैं, बहुत अच्छे गजल के गायक हैं। तो मैं यहाँ एक बात और कर दूं कि वो इन दिनों हॉस्पिटल में, अल्लाह ताला अटैक हुआ उनको, जो क्रिटिकल कंडीशन में, तो अर्थ दुआ कीजिए, अल्लाह ताला सेहत दे, अल्लाह ताला बहुत हमारा सरमाया भाई, बिल्कुल बहुत बड़ा सरमाया। वो उन्होंने गाने लिखे और एक यू आर्टिसन बच्चा है, बड़ा खूबसूरत और बहुत अच्छी और खूबसूरत धुनें उसने बनाई हैं, उमदा धुनें बनाई हैं उस बच्चे ने, तो वो है, उसने मौसीकी दी फिल्म, नाम क्या उसका बच्चे का, एक्यू आर्टिसन, एक्यू आर्टिसन, अच्छा, तो वो है। और एक बच्चे का नाम लेने जाए ना, सिर्फ बच्चा, हाँ, एक्यू, एक्यू आर्टिसन उसका नाम, एक्यू से मशहूर है वो, तो उसने ऐसे इस फिल्म की धुनें बनाई हैं, और VFX का जो बेहतरीन काम किया है इस फिल्म का, जो आपको मज़ा आएगा, जो आप कहेंगे यार बड़ा पाकिस्तान में ऐसा काम हो रहा है, वो हैदर हैं, उनकी टीम है, उसामा और उनके जो अबरार और जो बच्चे हैं जो उन्होंने काम किया VFX के ऊपर, अच्छा, वो बड़ा कमाल काम हुआ हुआ है। तो इस तरह तो तमाम शोबे हैं, जो इसका साउंड सराउंड जो किया है वो बिलाल इफ्तिखार साहब ने किया है, अतीक ओडो के साहबजादे हैं, अच्छा, और उन्होंने परी का भी उन्होंने किया था साउंड पूरा, तो वो मुझे बड़ा उनका, क्योंकि वहाँ जब हमारी फिल्म नेटफ्लिक्स पर गई थी तो वहाँ बाकायदा तारीफ आई थी साउंड की, उन्होंने कहा था कि आपका साउंड बड़ा अच्छा है, तो दूसरी फिल्म में उनसे करवाई है। साउंड में बड़ा काउंट करते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा, क्योंकि जब साउंड डिज़ाइन करना बड़ा मुश्किल काम है, बहुत ज़्यादा, ये बड़ा मज़ेदार काम होता है। हमारी फिल्मों में जो चल रही है इस पर, बहुत सारी फिल्मों में इसकी बड़ी बहुत ज़्यादा इसमें कमी रही है, मैंने देखा है बहुत ज़्यादा, मतलब फ्रेमिंग की मैंने बहुत सारी जगह पर देखा कि शायद ऐसा लगता है, कभी कभी ऐसा मैंने कुछ फिल्मों में ऐसा देखा कि जैसे लपेटने वाला काम हो गया, कि शुरू में थोड़ा सा काम अच्छा है उसका, कि यार ये लपेट रहे हैं, कहूँगा ना कि पूरी जनरेशन जो लॉस हुई ना, तो अब हम जीरो से शुरू है, जीरो से तो नहीं, जीरो से शुरू तो है, आते में देखेंगे शुरू, आप जीरो से हैं, मगर जीरो शुरू जब हुए तो आप मतलब उसी काम में तो उस हिसाब से करेंगे, ताकि जीरो से हम लोग हमारा परसेंटेज रेशो बढ़ना शुरू हो जाए ना, गाते गाते गवैया, गाते गाते गवैया तो सभी बन जाएंगे। बात यार आप तो अच्छे से शुरू करें, मतलब एक बात है कि कुछ काम ऐसा कि जब आप लोगों को बुला रहे हैं, लोग खींच रहे हैं, एक चीज को रिवाइव करने, दोबारा जिंदा करने, जिंदा करने के उसमें सांस तो सही डालें, मतलब ऑक्सीजन तो उसको सही दें कम से कम, बिल्कुल सही कह रहे हैं। फिल्म का फ्रेम और टीवी के फ्रेम में बहुत फर्क है, बहुत फर्क, तो उस फर्क को समझना होगा हमें। हमारे यहाँ अभी तक जो है वो टीवी और फिल्म का फ्रेम अभी तक समझ में आया नहीं है, क्योंकि फिल्म के लोग नहीं है, दरअसल बात यह की कमी क्या है कि फिल्म के लोग नहीं है, क्यों, फिल्म वाले ही अलग होते हैं। फिल्म के आप देखें ना, फिल्म में कट ज्यादा नहीं लगते रेडिंग के ऊपर ना, ज्यादा वो होते हैं। अब जिससे मैं एक डायरेक्टर जो मेरा पसंद डायरेक्टर सर्जियो लियोन, यानी दुनिया में उन्होंने सबसे पहले बड़े बड़े फ्रेम बनाए थे, जो फ्रेम खोले उन लोगों ने, द गुड द बैड द अगली देखी होगी आपने, कॉपर फिल्म में, और ये वॉस अपॉन अ टाइम क्या कहते हैं, तो वो ऐसी फिल्म थी कि उन्होंने जो फ्रेम खोले, शोले ने कापी किया था, शोले फिल्म की जो फ्रेम है वो सारे सर्जियो लियोन के, देखें आप शोले के फ्रेम, बड़े फ्रेम थे, तो वो फ्रेम है, और फिर वो ज्यादा कट नहीं होते। अब क्योंकि कट टू कट जो ना टीवी पे होता है, टीवी में होता है, शोले को कट टू कट चल रहा होता है वहाँ मसला। अब वो सारे कट टू कट फिल्मों में देखे तो वही आप लगेगा जैसे ड्रामा देख रहे हैं। मैं आमतौर पर कहता हूँ कि हमारे फिल्म जो है ना, फिल्म वो टीवी ड्रामा बेसिकली हमारा जो है ना बड़ी स्क्रीन पर चला गया बस, और लोग भी वही हैं, लोग भी वही हैं, वही लोग हैं, मतलब वही मैंने वहां देख रहा हूँ, वही सारे लोग वहां पर आ गए, वही सारे वहां चले गए, तो फायदा क्या है। मैंने ज्यादा ड्रामा लिखा है, इसलिए इसी साल से ड्रामा लिखा है मैंने, डायरेक्ट बहुत कम किया है मैंने, दो तीन एक दो सीरियल किए हैं, तो फिल्म मेरा शुरू से पैशन था भाई। चलो आप फिल्म बना रहे हैं, कम से कम उसमें और कुछ नहीं, पूरी नहीं, कम से कम एक दो नए लोग आप स्टार बनाने की कोशिश करो यार, कि ये आपका नाम होगा। मैं हमेशा यार ये देखो ये चीज, ये स्टार, ये फलाना जो नहीं, ये हमने देखो, हम लेकर आए थे इसको, देखो नहीं, ये आज ये कहां दुनिया में ये होता है। और हमेशा मैं कहता हूँ कि प्रोड्यूसर एंड डायरेक्टर जो है वो स्टार मेकर होते हैं,
बिल्कुल, तो वो बनाते हैं, वो देखते हैं कि हाँ इसके अंदर पोटेंशियल है कि इसको आप एक ला सकते हैं, कोई भी शोभा म्यूजिक का, कोई भी। और मुझे ऐसा लगता है जो रॉ चीज मिलती है ना उसको तराशना खराशना अपने हिसाब से ज्यादा आसान होता है, हकीकत है, मतलब वो जो मंजे हुए एक्टर होते हैं वो उनकी खास स्पेस सेट चीजें होती है, वो उससे ना इधर हिलते हैं कहीं ना कहीं ले आते हैं बीच में, लेकिन वो हिलते नहीं, उनको हिलाना बड़ा मुश्किल हो जाता है ना, देखिए पहले तो इनको हिलाना पड़ता है फिर उनको जमाना पड़ता है, किरदार जो होता है ना, किरदार का, हर किरदार का जो हमारे यहाँ देखिए, मैं जो हमेशा टीवी ड्रामे भी देखता हूँ, जो देखता हूँ तो एक ही टोन में बात कर रहे होते हैं, एक ही लहजा, एक ही बॉडी लैंग्वेज, जबकि हर किरदार का हम तीनों की बॉडी लैंग्वेज भी अलग है, हमारे हमारा जो बोलने का अंदाज भी अलग है, तो इसी तरह किरदार को जब तक आप उसको उसके अंदर उसको उसकी जो खूबियाँ हैं या उसके अंदर की जो चीज़ों को अगर नहीं डिस्कवर करेंगे कि नहीं ये ऐसे बोलता है, ये ऐसे चलता है, इसका अंदाज ये, तब तक नहीं है। आप इंडियन फिल्मों में उठा लें या हॉलीवुड उठा लें या कोई फिल्म उठा लें, जहाँ किरदार आ गया, हावी हो गया करेक्टर के ऊपर, वो हिट है। जहाँ पर अदाकार ने कहा कि मैं बड़ा हूँ, किरदार छोटा, वो हमारे अभी भी आप ड्रामे देखें, ड्रामों में आप देखें आमतौर पर मैंने देखा है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिससे ही लगता है मुझे, क्योंकि अब सिलसिला वही हो गया है कि अब एक से लेकर दूसरे का तीन, एक बंदे के चार चार शूट चल रहे होते हैं ना, ये भी तो वो भाग रहे होते हैं इधर से, यार इधर किया फिर अभी यार मुझे आते को जाना है, आते को यार मुझे वहाँ जाना है, वो उसके बाद साथ साथ साइमल्टेनियसली फिल्म और ड्रामा दोनों चल रहा होता है, दोनों चल रहे होते हैं वो कहते हैं लुक नहीं चाहिए, बहुत सारे देखें आप वो मतलब कैरेक्टर के हिसाब से उसकी एक्सप्रेशन नहीं होती बिल्कुल, कोई बॉडी लैंग्वेज नहीं होती, बहुत सारे ड्रामे अब मैक्सिमम एक नहीं, अब आम आदमी भी आपको देख के बता दे यार ये क्या कर रहे हैं, मुकाल में बोलने ही थोड़ी एक्टिंग थोड़ी है, मुकालमे में तो एक अदायगी है ना, एक अदायगी है ना, अदायगी है मतलब लैंग्वेज, आप अक्सर आप ड्रामा देखिएगा ना, कोई बोल रहा हो ना वो उसको उसके पहली बार यहाँ से जब मैंने एफएम 100 से 95 में जब प्रोग्राम शुरू किए तो शुरू में मैं आमतौर पर हमारे था कि दूसरे कुछ हमारे इंजीनियर जो थे वो इसको प्ले करते थे जब तक ये समझ में नहीं आता था मिक्सर कैसे होगा, मगर मैं क्योंकि इससे पहले मैं ऑडियो कैसेट्स करता रहा, बिना का गीतमाला मैंने 80s में बहुत की, बिना का गीतमाला मैंने, हाँ बिना का गीतमाला मैंने बहुत मतलब हज़ारों के हिसाब से कैसेट्स की, बिना का गीतमाला अमीन सैनी के स्टाइल में मैंने वो बड़ी कैसेट चलती थी, तो मैं वो 80s में बहुत की मैंने, मतलब मेरा दूसरे पायदान पर मतलब मेरा पहला बिना का गीतमाला जो है व्यू समझ लें, मेरे ख्याल में 84 में आया था मार्केट में कमर्शियल कैसेट मेरी आवाज़ की, बिना का गीतमाला 84 में आया था, फिल्म के गाने आए थे कयामत से कयामत तक, इसके गाने आए थे, तो वो पहली मेरी बाकायदा कमर्शियल मतलब वॉइस जो है मेरी वो मार्केट में आई थी बाकायदा तौर पर, तो वो मुझे शुरू से ऐसी आदत है कि वो जब तक कि मैं अब मैं बोल रहा होता तो मेरे हाथ उसी हिसाब से चल रहे होते हैं, अब जहाँ मैं हाथ को रोक लूँ ना तो मेरी आवाज़ रुक जाती है, ठीक, तो अब वही बात है कि आप जब डायलॉग आप बोल रहे हैं तो आपकी बॉडी भी तो साथ काम करेगी ना, अब बॉडी को आप स्टिल करके खड़ा करते हैं तो फिर वही हो गया, रोबोट चल रहा है, और फिल्म एक्टर्स की ट्रेनिंग अलग होती है, उनको डांस भी आना चाहिए, उनको हॉर्स राइडिंग भी आनी चाहिए, स्विमिंग भी आनी चाहिए, उनको हर चीज़ में एडजस्ट होना आना चाहिए, और वो स्टार एक वो लगता है फिल्म स्टार वो लगने ही अलग चाहिए। अच्छा इस फिल्म में एक बिल्कुल नई अदाकारा है जो इंट्रोड्यूस हो रही है, अच्छा उन्होंने टीवी भी नहीं किया, अच्छा सारा अली खान इस्लामाबाद में amazing acting किया ना, और उन्होंने जब हम थोड़ा घबराए हुए थे जब वो आई और वो खुद घबराई हुई थी, अच्छा हां तो बाद में जब मैंने समझाया कि बेटा नहीं ये इसको आराम से लीजिए, तो अच्छा फिर ये तो आपके सर चेहरा जाएगा इंशाल्लाह, आप देखिएगा मेरी इस बात को आप बाद में उसको टीवी पर नहीं जाने दीजिएगा, आप देखिएगा कि इसको आप कोट करेंगे बाद में प्रोग्राम में जब हम इंशाल्लाह आपके पास आएंगे, कि सारा को जब आप देखेंगे ना फर्स्ट टाइम, सारा को जो एक बिल्कुल रॉ कुछ नहीं किया था उसने, जब आप उसको फिल्म पे देखेंगे तो आप ये नहीं कह सकते कि इसने पहली दफा काम किया, उसकी आवाज, उसकी अदायगी, उसका अंदाज, उसके डायलॉग, उसकी चीजें, जबकि शी इज अ लॉयर, अच्छा बाय प्रोफेशन शी इज अ लॉयर, और वो लॉयर ऑफ कोर्स बड़े सख्त पर्सनैलिटी के होते हैं, बट लेकिन आप उसको देखेंगे तो एक खूबसूरत लड़की है, और क्या उसने परफॉर्म किया है, क्या उसने गानों पे परफॉर्म किया है, क्या उसकी आतिफ भाई ने उसको ऐसा मार्जिन दिया था, वो शुरू के दो दिन बहुत घबराई हुई थी, लेकिन आतिफ भाई ने उसको ऐसा कॉन्फिडेंस दिया कि वो जब उसको एक्शन बोलते थे ना वो आप देखिएगा उसमें आपको लगेगा कि वो स्टार निकलेगी उसमें से, गुड जबरदस्त, ये फिर अच्छा होना चाहिए, मतलब कम से कम हम ये तो कह सकते यार आतिफ अली एक ऐसा बंदा है कि जिसने कम से कम एक तो स्टार निकाला कम से कम, नहीं होना चाहिए, होना चाहिए थोड़ा सा रिस्क लेना चाहिए, आप जब इतना करें कम से कम एक दो लोग तो निकाल दें, कम से कम आप एक एक करके निकालेंगे तो कम से कम वही बात है, दो चार पाँच साल बाद दो चार तो निकल ही आएंगे ना उसमें, कोई तो काम का निकल आएगा, जो ये कह सके बंदा कि यार मुझे जो है आतिफ ने मुझे
इंट्रोड्यूस कराया था ये आतिफ, ये हम कहेंगे यार आतिफ ने ये काम दिखे, आतिफ ने देखो ये जो स्टार है ये आतिफ के मैंने एज अ फ्रेंड तो हम दोनों बहुत पुराने दोस्त हैं, मगर मैंने एक्सपीरियंस किया है कि एज एन डायरेक्टर ही इज परफेक्शनिस्ट. इनको होता है कि उस वक्त ही बहुत सीरियस होते हैं, आप अगर सेट में ना आप इनसे मजाक नहीं करते, बहुत सीरियस अपने काम करते हैं. उनको मेरी चूड़ियाँ कौन से रंग की होनी चाहिए, मेरे पैरों में पाजेब है कि नहीं है, चीज़ें हैं हर चीज़ उनको है, मुझे ये चीज़ें मैंने डिज़ाइन कर दी हैं, मुझे ऐसी ही रानी चाहिए. अच्छा आप थोड़ा रानी के बारे में बताएंगे, रानी मतलब ये थोड़ा आपने बताया ऐसी तो है रानी, मगर रानी के और कोई ऐसे दो ऐसी चीज़ें यादगार शूटिंग के दौरान जो आप शेयर करना चाहते हैं? असल में रानी जो है ना एक रानी तो, बेसिकली रानी जो रानी है बड़ा खूबसूरत करेक्टर है जो कहानी को लेके रानी चल रहा है, यानी कहानी जो सुनाई जा रही है वो रानी के जरिए सुना रहा है. अच्छा रानी रानी कहानी अच्छा कहानी जो है वो रानी सुना रही है, यानी वो रानी अपनी मतलब एक वो कहानी लेके चल रही है. हाँ रानी की एक वो है, इनकी एक मिस्ट्री है. अच्छा और वो लोग देखेंगे तो हैरान रहेंगे क्या मिस्ट्री है. ये भी रानी के जो करेक्टर है जिसकी इस करेक्टर की जो चीज़ें हैं वो मेरे ख्याल पाकिस्तान स्क्रीन में फर्स्ट टाइम आएंगी. अच्छा बिल्कुल, इससे पहले मेरे ख्याल में नहीं किया, हम कुछ भी नहीं बताना चाहते पहले. नहीं अच्छी बात है. और फिर ये कि अच्छा इनका इसका जो जो गेटअप था बड़ा खौफनाक था कई जगहों पे. अच्छा ओहो, और एक तो ये वाक्य खुद सुनाएंगे क्या हुआ था. एक दफा तो ऐसा हुआ कि हम शूटिंग कर रहे थे और शूटिंग मोस्टली हमारी रात में होती थी, तो वी आर शूटिंग इन अ फार्म हाउस. और क्योंकि मेरा जो गेटअप ऐसा किया था फयाज भाई ने, आप देखिए जब गेटअप आप देखेंगे तो जो हमारे VFX वाले उन्होंने कहा कि हमें बहुत नहीं काम करना पड़ा, जो कि उन्होंने पूरा VFX को उन्होंने जिस तरह उनको चाहिए था वैसे उन्होंने गेटअप किया, तो मेरे उन्होंने दोनों होंठ चिपकाए हुए थे. अच्छा सो मैंने कहा मैं खाना भी नहीं खा सकता और टाइम चेक है बड़ा जरूरी है, जरूर जरूर इसलिए कि अगर टाइम चेक नहीं हो तो फिर हमारा चेक हो जाएगा. तो हम बिल्कुल मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद, मिलते हैं, साथ रहिएगा. On the way for commercial break. Stay tuned. Listening to 100 on the FM dial. We are Pakistan's number one sound. FM 100. FM 100. Number one on the FM dial. जी जनाब, मुलाकात की ये ब्रेक और ब्रेक के बाद दोबारा फिर हाजिर खिदमत है एक बार फिर अपने तमाम देखने और सुनने वालों को. हो सकता है कि आपने हमें अभी ज्वाइन किया हो तो आपको खुश आमदीद, अस्सलाम वालेकुम एंड अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान. मुलाकात अजमेर शोबे के साथ एवरी सैटरडे आप मेरे साथ देखते और सुनते FM 100 पाकिस्तान के कराची स्टेशन से. और आज हमारी मुलाकात बड़ी ज़बरदस्त मुलाकात है, बहुत नाइस रही. आतिफ़ से जब मेरी बात हो रही थी आतिफ़ के आने के हवाले से, पहले ये रहा कि आतिफ़ को मैंने कहा कि अकेले, फिर मुझे जब वक़ार का पता चला कि फिल्म में वक़ार भी हैं, जब मैंने देखा वो तो मैंने कहा वक़ार को लाजमी आपने लाना है. मैंने कहा वक़ार को लाजमी लाना, यही मैंने कहा था आपसे. जी बिल्कुल, मैंने कहा आप बिल्कुल उनसे बात कर लें. मैंने कहा वो फैमिली के साथ गए, मैंने कहा पूछ रहे यार कब आएंगे वो. हो सकता है अगर वो इन्होंने कहा कि शायद आने के बाद फिर तीन को उन्होंने या चार को वापस जाना है. मैंने कहा भाई अगर उन्होंने जाना उनको कहें थोड़ा सा लेट हो जाए प्रोग्राम के बाद बेशक चले जाए, मगर आ जाए तो अच्छा है. तो माशाल्लाह अच्छा लगा वक़ार से मुलाकात भी रही और कुछ लाजमी एक फिल्म का एक बड़ा मेन करेक्टर रही, तो इनसे गुफ्तगू भी हमारी बड़ी अच्छी रही है. आमिर एक
اقبال اس وقت میں دیکھ رہا ہوں, عامر اقبال بڑے پیارے سے ہمارے دوست ہیں ماشاء اللہ, اور انکم ٹیکس کا بڑا گہرا تعلق ہے, ان کے سامنے زیادہ کھل کے بات نہیں کیجیے گا ورنہ یہ کچھ نہ کچھ لگا دیں گے, ٹیکس والے انکم ٹیکس والے لوگ ہیں یہ. تو بہرحال عامر اقبال آپ کو خوش آمدید, بہت شکریہ آپ کا, تھینک یو, جزاک اللہ. اچھا بات ہو رہی تھی کچھ, ہم دوبارہ سے شروع کرتے ہیں کہ رانی کی جو بات ہو رہی تھی, رانی کا جو کیریکٹر ہم کہہ رہے تھے تو ایک, کیونکہ یہ ہارر بھی ہے تو میرا گیٹ اپ ہوا ہوا ہوتا تھا اور فیاض بھائی نے بہترین گیٹ اپ کیا اس میں, تو میرے ہونٹ چپکے ہوئے ہوتے تھے. اچھا, سو آئی کانٹ ایٹ, آئی کانٹ ڈرنک, ایون آئی کانٹ بریتھ, مطلب مجھے سانس لینے کے لیے بھی سامنے ایک اپنے کپڑا رکھنا پڑتا تھا کیونکہ میرے دونوں ہونٹ کھلے ہوئے ہوتے تھے. اچھا اچھا, سو اب ہم فارم ہاؤس پہ عموماً رات میں شوٹ ہوتی تھی, تو فارم ہاؤس پہ برابر فارم ہاؤس والوں کو نہیں پتا تھا کہ ہم شوٹ کر رہے ہیں. تو آتے بھائی وغیرہ سب جب لنچ بریک ہو چکا تھا, ڈنر بریک ہو چکا تھا, پھر آفٹر ڈنر بریک بھی ہوتا تھا, کھانے پینے بہت ہوتے ہمارے یہاں, سو پھر سب کھانا کھائے تھے, تو میں نے کہا میں کیا کروں, میں تو کھا نہیں سکتا, میں جھولے پہ بیٹھ گیا, میں جھولا لے رہا تھا اور میں نے کانوں میں ہینڈ فری لگا لیا. برابر فارم ہاؤس سے دو لڑکے آئے, ان کو لگا کہ یہ تو بڑی کوئی پیاری لڑکی بیٹھی ہوئی ہے, بیک سے تو وہ بیک لیس چیزیں پہنی ہوئی ہے, بڑی پیاری لگ رہی ہے. جو مجھے فرنٹ پہ آئے نا تو وہ تڑپنے لگے نا سامنے, بیکاز میرا گیٹ اپ تھا. اب میں ان کو بتانا چاہ رہا تھا کہ اٹس مائی گیٹ اپ, یہ میرا گیٹ اپ, لیکن میں بول ہی نہیں سکتا تھا کیونکہ میرا منہ تو بند تھا, اور میں اس طرح بولتا وہ اتنا خوف میں بھاگا اندر, میں بلا کے لایا, میں کہا کوئی بتاؤ ان کو کہ وہ لڑکا وہ وہیں جامد ہو گیا تھا, وہ اتنا بھیانک چہرہ تھا کہ لوگ, میں خود واش روم جاتا تھا, میں اپنے اسسٹنٹ کو لے کے جاتا تھا کہ ساتھ چلو, میں اکیلے واش روم میں کپڑے نہیں چینج کر رہا. آپ دیکھیے گا تو آپ حیران ہوں گے کہ جب جو گیٹ اپ کیے ہمارے فیاض بھائی نے اور جو وی ایف ایکس کے ساتھ اس کا مرجر ہوا ہے پاکستان میں, نہ ود آؤٹ اینی ٹریننگ, جسٹ یوٹیوب اور چیزوں کو دیکھ کے وہ بچوں نے جو کام کیا ہے, جو انہوں نے سیکھا ہے اپنے اور اپنے شوق سے, سوچیں اگر پاکستانی گورنمنٹ ان کو سکھائے, ان کے لیے انسٹیٹیوٹ بنائے, ان کے لیے یہاں پر جگہیں بنائے, تو کیوں نہیں ہم آگے بڑھیں گے. آپ اس میں دیکھیے گا بغیر اس میں کچھ, جس نے بھی لڑکوں نے کام کیا ہے, جو جو چیزیں انہوں نے کہیں سے کوئی ٹریننگ نہیں لی ہوئی, لیکن آپ دیکھیے ان کا کام. ہاں نہیں, صحیح بات ہے, حقیقت اور بہت بڑی بات ہے یہ. تو اس کا مطلب یہ جو آپ نے بتا رہے, تو کہانی دونوں مطلب دونوں ملا کے چل رہی ہے, کہانی یعنی بہت مزیدار چل رہی ہے. آپ دیکھیں تو یہ مطلب کامیڈی میں تو سن کے مجھے بھی یار آنے سے پہلے دیکھوں میں. اور ہم نے ٹریلر کے اندر کچھ بہت زیادہ نہیں دکھایا کیونکہ اس کی چھوٹے چھوٹے بٹس اتنی مزیدار ہے نا کہ آپ اتنی کرسپ ہے, کیونکہ ہم نے پوری فلم دیکھی ہے, تو جب آپ ہم کرنے والے دیکھ کے بور نہیں ہوتے, آئی تھنک شاید آپ لوگ بھی دیکھ کے بور نہیں ہوتے. اچھی بات ہے. فلم کا سب سے جو بات کرتے ہیں ٹیمپو کی, تو پاکستان میں بہت کم ایڈیٹر ہیں جو کہ بڑا مزہ کام کرتے ہیں, جو فلم کو سمجھتے ہیں. تو میری فلم میں مجھے یہ یعنی یہ بڑا اچھا مجھے اعزاز مل رہا ہے کہ میرے ساتھ جو سلمان تہذیب تھے, سلو مشہور ہیں, بہت ساری فلمیں کی ہیں انہوں نے, سلمان تہذیب نے اتنا مزہ, اسی لیے سوری آپ کی بات کاٹ رہا ہوں, اسی لیے وہ فلم صحیح طور پہ ایڈٹ ہوئی ہے, کیونکہ فلم کا بندہ ہے نا, فلم کا بندہ ہے, فلم کا بندہ ہے. فلم کو ڈرامے والا ایڈٹ کرے گا تو کیا کرے گا, وہ کرے گا جی بالکل, یہ بالکل آپ کی, سوری میں نے آپ کی بات کاٹی, مگر حقیقت یہ آپ کہ ہمیں ایسے لوگ چاہیے, ایسی کیونکہ ہر اگر فلم بنا رہے تو وہاں فلم کے لوگ ہونے چاہیے. اب ہمارے فلم کے بڑے سینئرز ہیں, ہمارے بہت سینئرز ہیں, مگر ان کو ہمارے آج کی جنریشن لوگ کہتے ہیں ابھی ان کے پرانے ان کا کام چلا گیا ہے, ان کا کام نہیں ہے, ان کا کام نہیں ہے, ان کو ویژن کی. میں آپ کو بتاؤں, پاکستان اور انڈیا دونوں کے ساتھ میں نے کام کیا, انڈیا کے بہت سارے ڈائریکٹر ساتھ میں نے کام کیا, ہمارے یہاں اور وہاں پر مجھے جو کامیابی کے اندر بیچ میں لیکنس آف فرق لگتا ہے نا, مجھے اپنا 25-30 سال کا ایکسپیرینس ہے, اس میں مجھے ایک جملے میں کہہ سکتا ہوں کہ ہمارے یہاں ٹیکنیکل اسٹاف کو نیچے اور آرٹسٹ کو اوپر رکھا جاتا ہے, جبکہ وہاں پر ٹیکنیکل اسٹاف کو اوپر رکھا جاتا ہے, ان کی بات سنی جاتی ہے. ہمارے یہاں میک اپ آرٹسٹ جاتے ہیں تو ان کو وہ میک اپ کرنا پڑتا ہے جو آرٹسٹ کہتے ہیں, کوریوگرافر جاتے ہیں تو وہ اسٹیپ کرانے پڑتے ہیں جس میں آرٹسٹ کمفرٹیبل ہوتا ہے. جس دن ہم اپنے آرٹسٹ کی کمفرٹیبلٹی کو آپ بالکل رکھیں, لیکن آپ جب جو ٹیکنیکل لوگ ہیں ان کی چیزیں جب تک آپ ان کی ویژن سے جب تک آپ چیز نہیں دیکھیں گے, وہ چیز کبھی نہیں نکلے گی. آپ کو آرٹسٹ ہر جگہ سیم ہی لگے گا, کیونکہ وہ کر رہا ہے جو وہ کرنا چاہتا ہے, وہ کر ہی نہیں رہا جو لوگ کہنا چاہتے ہیں. ہم لوگ مجبور اس لیے ہو جاتے ہیں جو پرانے لوگ ہیں, کیونکہ سب کے ساتھ پیٹ لگا ہوا ہے. وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے جی, ایک وقت آتا ہے جب وہ کہتے ہیں کہ ہاتھی اڑتا ہے تو ہم کہتے ہیں جی ہاتھی اڑتا ہے, اور ہماری الگنی پہ مجبوری وہ کہتے ہیں ہاتھی اڑتا ہے, ہم کہتے ہیں جی روز ہماری الگنی پہ بھی. میں شاید اسفر یہ کس کے ساتھ میری بات یہی ہو رہی تھی, تو میں نے کہا کہہ رہے ہیں یار دیکھیں اصل میں شوبی بھائی بات یہی ہے کہ ہم اگر ہم وہی بات ہے اگر ہم کہتے ہیں کہ یار یہ مجھے نہیں کرنا تو کہتے چلو ٹھیک ہے نہیں کریں, کہہ رہے ہیں مگر بات ہے کہ اب کرنا تو ہے, نہیں کریں تو جائیں گے کہاں, مطلب اور بہت لوگ ہیں کرنے والے.
कोई मना करने वाला नहीं, कोई चेंज अपने आप को बदलने वाला नहीं कह रहे हैं। यहाँ मसला वही कि कोई बदलने को तैयार अगर हो जाए तो जब भी तो काम बदला जाएगा, जब कोई तैयार ही बदलने को नहीं, किसी एक के इंगेज से कुछ भी नहीं बदलेगा। तो हकीकत वही है क्या, वो जब आदमी वक्त ऐसा आ जाता है बंदा कहते हाथी उड़ा तो उड़ा, बिल्कुल। मैंने काम किया था, इंडिया डायरेक्टर है अनुराग कश्यप, बहुत मशहूर डायरेक्टर है, उनके साथ में काम कर रहा था। तो एक आर्टिस्ट थी, तो आर्टिस्ट को मैंने मेकअप किया। सो उन्होंने कहा, जब वो आई सेट पे, तो उन्होंने कहा कि देखो वकार, अभी मुझे पता है लंबे से घोड़ा तुमने प्यारा दिखाया, अभी मुझे सीन में प्यारी चाहिए नहीं है, इसका मुंह धुला दे। तो मैंने डर डर के बोला कि पता नहीं, आर्टिस्ट इंडिया की थी, मैंने कहा वो सर कह रहे हैं कि आप फेस वॉश कर लें। उसने कहा हाँ ओके, वो गई और फेस वॉश करके आ गई। उन्होंने कहा, उसने को जब समझाया कि देखो अभी तुमने ये करना है, ये करना है, ये करना है, तो वो जो कैरेक्टर निकल के आया। तो मुझे लगता है कि हमारे यहाँ, मेरी जिंदगी में जो मेरा एक तजुर्बा है, उसमें मेरे लिए हमेशा डायरेक्टर कैप्टन ऑफ द शिप होता है। डायरेक्टर ने जो कह दिया वो पत्थर पे लकीर है, वही होना चाहिए, होना ये चाहिए। लेकिन उसूलन हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता, जिसकी वजह से प्रॉब्लम होती है। हमारी फिल्म के जितने भी आर्टिस्ट हैं, उनके लिए आज हम आज भी कहते हैं कि आतिफ भाई ने जो कह दिया वो वही पत्थर पे लगी रहे, वही होगा। हां सही है, हकीकत मतलब डायरेक्टर जो कैप्टन होता है वही होता है, उसी के विजन से चलते हैं ना भाई, उसी के विजन से वो सब कुछ उसी के विजन से चल रहे हैं। अब मैं कहूं नहीं यार, अरे नहीं आतिफ भाई आप गलत कह रहे हैं, नहीं यार ऐसा कर लें यार। अब यार तो इसका मतलब वो जो बंदा इतना बड़ा पूरा लेके चल रहा है, एक लीडर है वो, मतलब उसको वो जाहिल, उसको पता कुछ नहीं है। एग्जैक्टली। लेकिन हमारे यहां बहुत सारे डायरेक्टर्स इसी वजह से हमारी चीजें फ्लॉप हो रही हैं कि डायरेक्टर भी इसलिए कॉम्प्रोमाइज करते हैं, बिकॉज़ पेट तो उनके साथ भी लगा है। पेट इसलिए कि फिर हमारे को सीनियर जो है ना, वो फिर वो कहते हैं कि यार मैं, अब वो सीनियर के सामने बोलते नहीं है जी। सीनियर कहता है कि नहीं यार, नहीं यार मेरे ख्याल इसको ऐसे करने जी सर ठीक है। अब वो बेचारा बोलना भी ज्यादा नहीं बोलता, कहता मैं इसके सामने क्या बोलूं। मैं तो कहता डायरेक्टर जो कहते हैं बस वही। इस मामले में कभी साहब का मैं कहूंगा, जो हम लोग परी फिल्म करने गए थे, तो वो सीन था जिसमें वो परी साहब लाइट चली जाती है, फिर वो भागते हैं। अरे यार क्या कवि साहब का काम है। तो जब वो शूट किया, मैंने शूट कर लिया, तो उनका तो करने के बाद हमको ऊपर नीचे कई दफा ऊपर मैंने सीढ़ी पे आए चलिए भागे या भागे करते गए। जब वो सीन खत्म हुआ ना, मुझे कहने लगा आतिफ मैं बीमार था, मैं बीमार हूँ दरअसल। मैं सर आपने पहले क्यों नहीं बताया मुझे, कह लेंगे मैं तो इस तरह काम निकलता फिर मुझसे। फिर वो ना बड़े आर्टिस्ट बड़े इंसान भी। लेकिन आप देखिए ना आतिफ भाई, हमारे यहाँ बदकिस्मती कितनी, आज आप सेट पे जाएं, कभी साहब जिस ड्रामों के सेट पे हो, आप एक नई लड़की आई हुई होती है, उसके साथ उसका मेकअप आर्टिस्ट, उसका हेयर स्टाइलर, उसका मैनेजर और उसकी वैनिटी वैन, और कभी साहब अपने ही थैले को लेके कमरे में बैठे होते हैं। ये हमारी अकेले बैठे होते हैं, पूछने वाला भी नहीं होता हमारी, क्योंकि हम अपने लेजेंड्स की कदर ही नहीं करते, नहीं करते, नहीं करते। आप उनको दें प्रोटोकॉल, क्योंकि वो है जिंदगी, वो जिंदगी, और वो आप, मैं कहता हूँ आप सिर्फ कवि साहब को कुछ ना करें, आप उनको एक अमाउंट उनका फिक्स करें और फिल्म बनाते वक्त उनको बिठा लें पास, वो एक इंस्टीट्यूशन है आपके लिए। बहुत बड़ी बात लेकिन हमारे यहाँ तो आप देखें ना कि उनका भी क्या हाल होता है उनको। आप मैं बहुत अफसरदा होता हूँ जब मैं सेट पे देखता हूँ कि वो एक बेचारे कोने पे होते हैं, अपने कपड़े खुद ही निकाल लेते हैं, वो अपना सारा काम खुद करते हैं, सब कुछ खुद करते हैं, उनको देना चाहिए। यार खालिद सलीम मोटा साहब, मतलब आज वो बेचारे उनकी टांग कट गई है। वो मैं से मुलाकात प्रोग्राम में बहुत पहले मैं उनको बुलाया था, कोई साल डेढ़ साल शुरू में बुलाया था उनको, वो आए, यकीन करें वो यार कितनी फिल्में कर चुके, क्या सीनियर आर्टिस्ट है यार। आप उनको मतलब उनको कोई याद ही नहीं करता, पूछता भी नहीं कोई यार। कम से कम आप उनको इतनी तो अहमियत दे सकते हो, उनको बुला के उनको बिठा के कम से कम कोई ऐसा करेक्टर दे सकते हो यार। व्हील चेयर पर चलते हैं ना, व्हील चेयर पर कोई करेक्टर लिख दो, ये आपके पास क्या है, आप लिख के कर सकते हैं। जिसके इंस्टाग्राम फॉलोअर्स ज्यादा है बस वो स्टार है। नहीं देखो मतलब सीनियर है अकबर सुबहानी साहब, हमारे माशाल्लाह मतलब सुबहानी साहब यार क्या है वो कमाल है। शकील साहब, शकील साहब है, मतलब आप देखें धीरे धीरे ये जितने सीनियर्स हमारे इनको लोग भूलते जा रहे हैं, उनके एक दूसरों को बिठा रहे हैं उनको यार। वो लोग हैं हमारे इंडिया में, अगर देखें इंडिया में आप देखें सीनियर्स को खासतौर पर, वहाँ के मतलब इनकी इंडस्ट्री का लॉ ही बाकायदा कि सीनियर्स के बगैर तो उनकी फिल्म की पूरी होती नहीं है। मैं कहता हूँ इकबाल साहब आगे शुरू शुरू नहीं होता है, और इतने सारे पुराने डायरेक्टर्स हैं, उनको आप एज अ को डायरेक्टर के साथ बिठाएं, काम करें, देखें आप कैसे क्या चीज यार कहाँ से कहाँ पहुंचेगी। म्यूजिक डायरेक्टर हैं, डायरेक्टर हैं, कितने लोग हमारे हैं, मगर हमारे यही तो मसला, हमारी शायद हमारी ज्यादा जो नाकामी की वजूहत ये भी है ना, सही, क्यों हम अपनी सोच को बदलना नहीं चाह रहे हैं। हम कहते नहीं यार मैं तो मैं हूँ, और जो सोच बदलने की कोशिश करेगा उसे इंडस्ट्री से बाहर निकाल देते हैं। हाँ ये मसला यही तो असल में यही हमारे यहाँ मसला यही है कि वो लोग हमारे इस वक्त ऐसे ही हो रहा है। एक जनाब ये हैं गजनफर खान मरर मुल्तानी, कहते नाइट शो फ्रॉम दी बस्ती मलूक सुखंडी
सुखंडी से इन्होंने भी किया, मेरे ख्याल में मुल्तान वगैरह की साइड पे है कोई, क्योंकि मुल्तान के हैं। और जरिए सितार थैंक यू कहती है, ट्रू वेल सेड, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। अच्छा थोड़ा सा अवकार आप बताएं, माशाल्लाह ये इसके साथ साथ कितने अब तक आप ड्रामे कर चुके, इस वक्त आपका कोई है? और इस वक्त एज एन एक्टर मैं बहुत कम ड्रामे करता हूँ, मुझे कोई कास्ट ही नहीं करता क्योंकि मुझे कोई इसलिए कास्ट नहीं करते, शायद मुझसे डर जाते हैं कि ज़्यादा जिद। एक्चुअली सच बात ये कि मुझे कोई कास्ट नहीं करता, और किसी डायरेक्टर की तरफ से, किसी प्रोड्यूसर की तरफ से मुझे कभी किसी चैनल की तरफ से कोई कॉल नहीं आती। मेरे पास सिर्फ फसी मजहर ये दो लोगों ने मुझे, हाँ, इन्होंने मुझे तीन ड्रामे चार ड्रामे मैंने के साथ किए, और आतिफ भाई के साथ मैंने फिल्म की है, और एक श्याम भाई के साथ मैंने सुपरस्टार की थी, उसके अलावा मुझे कोई ऑफर नहीं आई आज तक। मैं कहूँगा सुपरस्टार आपने की थी, सुपरस्टार से आप मुतमईन थे? सुपरस्टार सुपरस्टार में देखिए जो सुपरस्टार ही थी, हाँ जी, एहतशाम भाई ने जहाँ तक मुझे, वैसे ऑफकोर्स वो मैंने फिल्म देखी, सॉरी बात कर रहा, मैंने उसका पहला शो देखा था और आधी फिल्म उठ के आ गया था मैं। अच्छा अच्छा, मुझे ये था कि सुपरस्टार में क्योंकि कहानी उन्होंने जिस तरह बतानी चाहिए थी, मेरा जो उन्होंने कहा कि मेरा तो मेरा कैरेक्टर अपना हिसाब से थोड़ा सा था, तो उन्होंने वो मुझे श्याम भाई ने जिस तरह मुझे एक्सप्लेन किया था जो चीज़ें की थी, तो मुझे लगा था ये बहुत अच्छी चीज़ निकल के आएगी। मगर कुछ चीज़ें होती हैं तो चीज़ों की बहुत ज़्यादा, मतलब वो फिल्म जो है वो मैंने देखा था, हालांकि मैं पहले शो देखने गया था, मैं दोस्त के साथ हम गए थे, तो मैंने चलो यार देखते चलो, दोस्त ने कहा चले यार, मैंने चलो सुपरस्टार देखते हैं आज ही लगे भी है, तो वो गए पूरे शो में, मैं कल के 20 लोग भी नहीं होंगे शायद पूरे, हाँ वही चीज़ है कि अब वो असल में वो 20 लोग भी इंटरवल के बाद उसमें से भी आधे उठ के हम दो हम चले गए, कुछ और हमारे साथ साथ चार पांच चले गए। अब ये है कि अब कंटेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये कंटेंट जरूरी है, वही मेन कंटेंट है, उसमें कुछ ही नहीं है सर, और फिर ज्यादा महंगी फिल्में ना बना, महंगी फिल्में। दूसरा मैं ये कहना चाहूंगा कि जो कंपनीज है मल्टीनेशनल्स वगैरह, इनको आगे आना चाहिए। Exactly. जैसे अभी मैंने एक फिल्म की कहानी बनाई है जिसमें जो मेन जो चीज़ है वो मोबाइल फोन है, पूरी फिल्म मोबाइल फोन के गिर्द घूम रही है। Good. Wow. तो अब मैं कुछ लोगों मोबाइल कंपनीज के लोगों से मिल रहा हूँ कि भाई देखें ये है, आप अगर कोई नया मोबाइल आना है आपको लॉन्च कर रहे हैं तो हम नाम भी फिल्म का वो रख देंगे और उस पर वो मोबाइल की फीचर्स वगैरह भी कर देंगे, और उसके और ये होगा कि अगर आप 3 करोड़ लगाते हैं उस फिल्म पर या 2.5 करोड़ लगाते हैं, तो आप जब फिल्म कोई लॉन्च करते हैं मोबाइल तो उसमें इतने पैसे लगाते हैं आप भी उसी तस्वीर से ज्यादा लग जाते हैं। हाँ, तो ये वो है कि उसकी फिल्म बन जाएगी उसी में, उन आर्टिस्टों में 2 कमर्शियल बना देंगे। हाँ, और ये वो है कि वो पैसा वापस जा सकता है और फिर मोबाइल वो मोबाइल आपका उसी में यूज हो रहा होगा, उसी में सब चीजें इंट्रोड्यूस हो रहा होगा, उसी में कहानी में चल रहा है सब चीजें। तो इसी तरह ऐसी कहानियां हो तो इन मल्टीनेशनल्स को आना चाहिए, जो इनके बड़े बजट होते हैं, अगर 2-3 करोड़ रुपए लग देंगे फिल्म इंडस्ट्री के लिए तो इस तरह भी ये बड़ी हेल्प हो जाएगी इंडस्ट्री की। हाँ चले, एक फिर ब्रेक आ गई सर, क्या करें, सही जरूर, वक्त बड़ा जरूरी है, बहुत जरूरी है, वक्त नहीं होगा तो जिंदगी कैसे गुजरेगी, वक्त पर बड़ा जरूरी है जी, चलते जी, मैं ऑडिशन दे रहा हूँ, साथ हो सकता है बाद में कुछ एग्रीमेंट साइन हो जाए। On the way for commercial break. Stay tuned. You're listening to 100 on the FM dial. We are Pakistan's number one sound. FM 100. FM 100. Number one on the FM dial. FM 100.
100. Karachi, Lahore, Islamabad. जी जना, मुलाकात अजमेर शोबी के साथ एक ब्रेक थी, छोटी सी ब्रेक, टाइम चेक थी, और फरा महमूद कहती हैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, बहुत शुक्रिया फरा जनस्तार, थैंक यू वेरी मच जी। और यकीन हमारे साथ मौजूद हैं वकार हुसैन मौजूद हैं और सैयद आतिफ अली, और बात कुछ साथ साथ जो है कुछ इनकी फील्ड के हवाले से भी हो रही है। साथ साथ फिल्म 17 तारीख को, 17 जून को फिल्म रिलीज़ हो रही है, पीछे तो देखो। अब पीछे तो देखो, पीछे देखने के लिए देखना, उस फिल्म को देखना ज़रा ज़रूरी है कि उसको फिल्म देखने के बाद हमें क्या लगता है कि वाकई पीछे देखना चाहिए हमें, नहीं देखना चाहिए। वैसे असूलन तो फ्लैशबैक तो आपको होता है ज़िंदगी में, जब तक कि हम अपने माजी को साथ लेकर नहीं चलते, जब तक हमारा मुस्तकबिल जो है वो ज़्यादा रोशन नहीं होता, क्योंकि माजी जब हमारे साथ होता है तभी हम अपने फ्यूचर को भी जो है ना वो ब्राइट कर सकते हैं। पिछले तजर्बात को सामने रखते हुए जब आगे बढ़ते हैं तो ज़िंदगी ज़्यादा जो है वो आसान हो जाती है। तो ये हो सकता है ये फिल्म का स्टोरी भी हो, लाजमी होता है कि पीछे क्या रहा क्या नहीं रहा। और पीछे तो देखोगे रानी वकार हुसैन, और रानी की बात आपको बता, रानी ने कैसे कि वहाँ पर फार्म हाउस में जो शूटिंग के दौरान तो दो बंदों को डरा दिए बेचारे उनका, तो पता नहीं। और इसमें बहुत मेरे कैरेक्टर का एक बहुत बड़ा सरप्राइज भी है, जो कि मैं चाहता हूँ कि आप लोग आएँ, और मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आपको इतने लोग सुनते हैं, इतना लोग FM 100 सुनते, थोड़ा रानी के अंदाज में इनको इन्वाइट करें। रानी बहुत धीमी बात करती है, बहुत प्यारे से, मतलब वही रानी का जो स्टाइल, वही ना, वही रानी के स्टाइल में थोड़ा बात करें, लोगों से जरा कैमरे को देख के सामने लोगों से बात करें, हमें छोड़ दें, हम है ही नहीं, लोगों से बात करें। रानी मैं हूँ रानी, और मैं गुजारिश करना चाहती हूँ आप सबसे कि आप लोग जरूर आइएगा देखने 17 को, रानी को आपका इंतजार रहेगा। हाय रानी से बुलाएगी, मैं तो सब कुछ छोड़ के, पानी छोड़ के रानी के पास जाऊंगा। और मैं कहता हूँ कि आए प्लीज, पाकिस्तानी सिनेमा को सपोर्ट करें, देखें हम लोगों के काम को, देखें, देखने के बाद फैसला करें कि हमने अच्छा किया कि गलत किया, और ये भी सोच के फैसला करें कि हमारे पास वसाइल कितने हैं, हमारे पास प्रॉब्लम्स कितनी हैं, और उसमें हमने क्या डिलीवर किया है। हाँ ज़रूरी है, वो बात ये कि मैंने वही कहा कि जब तक हम देखेंगे नहीं, जब तक फैसला सही और अच्छे और बुरे का फैसला कर ही नहीं सकते, जब तक देखेंगे नहीं, क्योंकि देखने के बाद फिर वो बात वसाइल की आ जाती है कि यार इनके पास वसाइल, हमारी इंडस्ट्री में कितने वसाइल हैं, क्या हमारे इंडस्ट्री के हिसाब से जो हमारे हाथ में जितनी कैपेसिटी हमारी होगी उसी हिसाब से चलेंगे ना। और जब देखें तो उसको, और अगर आपको पसंद आती है तो आपकी जिम्मेदारी है इसको वर्ड ऑफ माउथ के ज़रिए, अब तो हाथों में हमारे मोबाइल है, हमारे पास हाथों में प्रमोशन है, आपके इंस्टाग्राम है, आपके फेसबुक पेजेस हैं, आपके यूट्यूब पेजेस हैं, व्लॉगर्स हैं, चीज़ें, आपकी जिम्मेदारी है कि आप हमारे पाकिस्तानी सिनेमा को सपोर्ट करें, और अगर आपको लगता है कि बहुत अच्छी फिल्म है तो उसे आप प्रमोट करें ताकि लोग खुद जाके देखें और हमारी चीज़ों को रिवाइव हो, इसमें आपका छोटा सा ऐसा ज़रूर चाहिए होगा। हाँ ज़रूरी है, ज़रूरी है, अगर आप चाहते हैं कि हमारी इंडस्ट्री इम्प्रूव हो, आगे बढ़े, तो फिर उसके लिए ज़रूरी, जब तक हम साथ कदम नहीं बढ़ाएंगे तो कैसे होगा ये, क्योंकि एक आपको पता वक्त है, दरमियान में एक बहुत बड़ा ब्रेक गुजर गया जिसमें फिल्म हमारी इंडस्ट्री बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी, कोई नहीं था, और इंटरटेनमेंट का यकीन हर माशरे में तफरी का बहुत ज़्यादा अंसर होता है, माशरे को बेहतर बनाने में बहुत ज़्यादा ज़रूरी, और इसमें ये काम जो है हमारे एक्टर और डायरेक्टर्स जो प्रोड्यूसर लोग होते हैं उनका ये काम होता है कि वो माशरे को बेहतर बनाने के लिए कदम बढ़ाएं, उनको चाहिए कि, मगर वही बात है कि हमारे वही स्टोरी की बात चल रही है, कंटेंट की बात हो रही है, कंटेंट हमारे यहाँ इतना बेहतर हो नहीं रहा, बजाय माशरे को अच्छा बनाने के कुछ कंटेंट हमारा अजीब सा कंटेंट आ रहा है जिसकी वजह से कुछ मसाइल और ज़्यादा पैदा हो रहे हैं। तो अगर कंटेंट कहानी अच्छी होगी, माशरे के हमारे जो बुराइयां हैं उनको अगर उजागर करेंगे अपनी कहानियों के ज़रिए, तो यकीनन ये बहुत बड़ा फ़ायदेमंद होगा कि हमारे हालात कैसे हैं और हमें क्या करना चाहिए और हमें क्या ऐसा करेंगे जिससे हम अपने आप को बेहतर बना सकते हैं, ये बहुत ज़रूरी है। और इसके लिए यकीनन अब जैसे आतिफ ने फिल्म बनाई है तो यकीनन ये जब जिस हिसाब से पता चल रहा है तो ये अच्छा तफरी एक मूड होगा, इंसान जाए 2 घंटे गुजरेंगे उसके, कम से कम एंजॉय तो करेगा वो, कम से कम ये तो कह के क्या भाई यार क्या बोर करती है इन्होंने उठा किया, इस फिल्म की तो गारंटी है इसमें बोर नहीं होंगे, मतलब ये ज़रूरी है। बात है कि अगर फिल्म में आप जा रहे हैं, आपने पैसा खर्च भी किए, चलो यार ठीक है चल देखते यार, यार आतिफ साहब ने या बड़ी वकार ने या शोभ साहब ने बड़ा यार बड़ी कहा था कि बड़ी जबरदस्त फिल्म में हंसने वाली और ये वो, चलो देखते, तो देखने बाद अगर आपने थोड़ा एक बार भी अगर आपने मुस्कुराहट आ गई ना तो समझो आपके पैसे वसूल हो गए वो। एग्जैक्ट सबसे आप हमारे पास इस मिसालों के अलावा एक ये मिसाल भी हमारे पास मौजूद है, आप देखें अभी रिसेंटली कान फेस्टिवल में सरमत की फिल्म जॉयलैंड को कितना बड़ा अवार्ड मिला, वो भी कंटेंट बेस्ड थी, अभी उनकी कमली रिलीज हुई है, अमेजिंग फिल्म है, आप लोग जाके देखें, उसका जॉनरा बिल्कुल डिफरेंट है, बहुत अच्छे से शूट किए। तो ये पाकिस्तान ही है, पाकिस्तान के लोग बहुत टैलेंटेड हैं, यहाँ पर टैलेंट बहुत ज़्यादा है, यहाँ डायरेक्टर्स बेहतरीन हैं, यहाँ एक्टर्स बेहतरीन हैं, यहाँ पर सिर्फ क्या चीज़ है कि हमें तमाम चीज़ों को अच्छे से यूटिलाइज़ करना आना चाहिए,
सारी कहानियां हमारे पास इतनी है कि हमारे पास पूरी इंडिया में आप देखिए हमारे ड्रामा मशहूर है, मशहूर है। जब हम ड्रामा अच्छा लिख सकते हैं चीजें तो हमारे पास तो स्टोरीज बहुत ज्यादा है, हम तो बहुत सारी बहुत हमारे पास हर तरह की चीज मौजूद है पाकिस्तान के अंदर, हम बहुत सारी कहानियां इर्द-गिर्द देखते हैं। हाँ, बेशुमार कहानी, मगर वो कहानी हमें अपने मतलब ना ड्रामों में ना उसमें नजर नहीं आती, में कहानी बेशुमार है, कहानी बेशुमार है, एक से एक आपको मतलब मिलेगी कि यार कि हम कहते हैं यार यार इस पे फिल्म होनी चाहिए यार, अब इस पे ड्रामा बनाना चाहिए इनको, मगर वो बात है कि वो सिर्फ हमें नजर आ रहा है, अब उनको वो असल में हमारे यहाँ अच्छा हमारे यहाँ पता वकार ये भी आतिफ भाई ये भी हो गया इस वक्त हमारे ड्रामों में, आप देखें कि अब हर जो है वो मतलब एक घर के सरपरा की दो दो शादियां बहुत हो गई बेहतर होगा इससे तो हम और ज्यादा मतलब खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, देखिए क्योंकि जब एक लाइन हम चल पड़ेंगे सारे एक बन गया ठीक है यार ठीक है। देखिए मैं हमेशा कहता हूँ कि राइटर जो होते हैं ना किसी भी मास सोसाइटी क्रीम होते हैं, वो सोचते हैं पढ़ते हैं फिर अपने तराफ पे देखते हैं और कहते हैं इस पे काम होना चाहिए कि इसको बेहतर किया जाए, लेकिन उस क्रीम को ये कर दिया गया है कि उसको कहते हैं कि तो भाई यानी राइटर जो है वो आबियारी करता है सोसाइटी की। हाँ बिल्कुल सही बात है, हकीकत है, लेकिन उसको कहा जाता है कि भाई ये जो घर में जो है या ये जो है तुम इसकी सतह पर आके लिखो, ये नहीं कहते कि आप आवाम की सतह बुलंद कीजिए, जैनी सतह आप कहते हैं उस सतह पर आके लिखिए। ड्रामा मैंने मेरा आखिरी ड्रामा खान था जो लिखा था मैंने, शेजा था खान था, उसके बाद ड्रामा नहीं लिखा क्योंकि ड्रामा जब मैं यानी जब मैं लिखता हूँ तो मुझे ये कहा जाता है नहीं नहीं ये ऐसा नहीं है ऐसा कर दीजिए, ये ऐसा नहीं है ऐसा कर दीजिए, और वो ऐसा होता है कि अगर हम लिखें तो फिर हम कहते हैं वो लोग कहेंगे यार आतिफ तू ये क्या लिख रहा है, आपने कितना जबरदस्त ड्रामा इन आतिफ भाई का लिखा था धड़कन, धड़कन उसकी इधर इतना सेंसिटिव टॉपिक था कि घर में एक बच्ची है उसके दिल में सुराख है और उससे कैसे लोग कनेक्ट करते हैं उससे कैसे उस चीजों को पूरा करते हैं, तो अभी भी बहुत सारे ऐसे उस ड्रामे का ये हुआ था हम मतलब दुबई में थे और पार्वती और कमल जी साहब उसको मेन लीड किया था, साक्षी दोनों आए थे, एक दिन वो लोग मेरे रूम में नौकरी देकर दोनों खड़े हुए थे, उन्होंने गले लगाया कमल जीत ने कह इतने खूबसूरत मुकालमे बहुत अच्छे बाद हमने इतनी प्यारी लिखी थी इन्होंने और वो रो रहे थे उन्होंने कहा हम जब वो सीन था डॉक्टर का अच्छा वो मेरी जिंदगी का सीन है जब मेरे दो बच्चों को हार्ट डिजीज उनके थोड़ा आखिर दिल में तो मैंने अपनी जिंदगी पे लिखा था, तो उसमें क्या जब वो हॉस्पिटल ले आ रहे थे बच्चे को तो मैंने वाइफ को कहा था ये वो जगह है जहाँ अल्लाह ताला हमें दे भी सकता है और ले भी सकता है, बेशक बेशक तो अल्लाह की रजा में राजी रही है, बेशक तो जब जुमलों में मैंने इस्तेमाल डायलॉग किया तो वो बकायदा कहते हैं हम रो रहे थे और रुक रहे थे तो फहीम भाई ने बताया कि आतिफ के साथ ये हुआ है, तो मैंने उसको कहा उस पर भी हमें ग्लेशियर अच्छा यही तो बात है मतलब यही तो कहानी कि जहाँ ग्लेशियर की आपकी आंखों में आंसू आ रही है ये सारी बात अच्छा हमारे यहाँ पता आज ये हमारे आर्टिस्टों में ये फीलिंग यही फीलिंग्स तो नहीं है ये कि वो कैरेक्टर को अपने वो तारी नहीं करते ना वो तारी कर ले तो मतलब उन्हें कहीं ग्लेशियर की किसी की जरूरत ही नहीं पड़ती। मैंने जो ऑब्जर्व किया है यहाँ पर हमारे मास्टर में अब ये हो गया है चाहे कोई भी शोभा हो वो कहते हैं मैं सब जानता हूँ, जबकि मैं अपने स्टूडेंट्स को कभी जाता हूँ लेक्चर के लिए तो मैं सबसे पहले पूछता हूँ कि ये बोलना सीखिए कि मैं नहीं जानता, जब आप ये सीखेंगे बोलना कि नहीं जानता तो फिर जानने की कोशिश करेंगे आप जब भी तो सीखेंगे हम अगर पहले से उस्ताद हैं तो फिर आपको सूद के लिए मिलेंगे यहाँ तो सब हैं हम सब जानते हैं। जैसे आप हमारे कमर्शियल एड फिल्म देख लीजिए एड फिल्म में क्या हो रहा है सब एक पेस पे एड्स हैं क्योंकि हमारे यहाँ पाकिस्तान में गुजराती फैमिलीज नहीं है बिहारी फैमिलीज नहीं है हमारे हिंदू फैमिलीज नहीं है हमारे यहाँ इतने सारी चीज़ें हैं उनके ऊपर बेस करके अगर कोई प्रोडक्ट बनाई जाए कोई ऐड बनाया जाए जैसे इंडिया में नहीं थे मजे मजे के ऐड चलते हमारे यहाँ आज भी वही प्यारी अच्छी प्यारी लड़कियों की जाएगी और दरवाजा खुलेगी उसके अंदर से चाय का डब्बा निकालेगी। कुछ करेक्टर तो ऐसे लगते हैं कि ये हमारे माशरे में कहाँ है ऐसे किरदार एग्जैक्टली कहाँ से आए हैं कहाँ से उतरे हैं। अच्छा बहुत सारे ऐड ऐसे मैंने देखे कि जिसमें मतलब जिस उस चीज प्रोडक्ट का ताल्लुक खातून से है ही नहीं मतलब उसकी ओपनिंग खातून नहीं कर रही है सबसे पहले उधर ना शेविंग क्रीम का मतलब उसका उससे खातून का क्या ताल्लुक है और वो उसका वो एड का पहला स्टार्ट ही मतलब फर्स्ट शॉट ही खातून से होगा। अब देख रहे हैं मोबाइल सिम हमेशा ग्लैमरस बिकेगी क्यों मासियां भी तो सिम इस्तेमाल करती हैं भाई इतने सारे लोग ऐसे लोग जो छोटे छोटे घर में अब तो मेड्स भी सिम इस्तेमाल करते हैं तो क्यों नहीं वो आइडियाज लेते हैं। एक ड्रिंक का कमर्शियल आया था एक कंपनी का कंपनी बड़ी मशहूर कंपनी उसका तो उसमें दिखाया था कि वो घर में दिखाया एलीट क्लास फैमिली मेहमान आ रहे हैं वो खातून जब भी ड्रिंक पे थी कुछ ना कुछ आता है वो आखिर में जाती हैं तो कहीं ना कहीं तो खाली होती है तो मैंने वहाँ जाके लिखा मैंने कहा भाई ये एलीट क्लास को इनको ये अगर आप करते हो कि लोअर क्लास है
और उनके साथ उन्हें जो ड्रिंक, क्योंकि ये लोग तो बड़े लोग, उनको मसला ही नहीं ना इस चीज का, वो था ना जो वो आती है चिकन क्यूब्स। अरे भाई चिकन की मुर्गी, दाल में मुर्गी का मजा गरीबों को चाहिए, आप एक मुर्गी खा लेते हैं। अच्छा एक अच्छे कम घर की खातून ने बड़े किचन में दाल पका के उसने मुर्गी का जो वो डाल, अरे भाई मुर्गी तो बड़े लोग तो खा ही लेते हैं, आप दिखाएं कि एक छोटी सी झोपड़ी में। ये ना यही कॉन्सेप्ट है ना, ये होता नहीं हमारे कहा, ये तो मसला हमारे, पता नहीं क्यों हमारे, शायद इसी वजह से हम लोग, हमारी लेकनेस यही चल रही, यही मजा, यही जब हम पीछे पीछे सतही सोच रहेगी, सतही बातें होंगी तो फिर यही होगा। जब तक देखिए ये जी जो शो है ना हमारा आर्ट का, खासकर ये जो कमर्शियल या ड्रामा या फिल्म, ये बहुत सोच मांगता है। Exactly. जब आप कोई आइडिया डेवलप कर रहे होते हैं तो हर कैरेक्टर के लेयर्स होती हैं, उन लेयर्स को पहले आपको मालूम करना होता है, राइटर्स को ये बताता है कि इसके, अभी मैं एक वो कर रहा हूँ डिज़ाइन हो रही वेब सीरीज, एक बहुत बड़ी कंपनी है और वो इस तरफ भी आ रहे हैं, तो उन्होंने भी कॉन्ट्रैक्ट पे लिया है मुझे, तो मैं रात को 10 बजे जाता हूँ उनके ऑफिस में, उनकी टीम बैठी होती है और मैं और हम लोग सुबह तक उसके जो सारे कैरेक्टर्स हैं, कहानी कैसे पड़ेगी, वो लेयर्स, अभी तो हम सिर्फ आर्ट जो कैरेक्टर्स की लेयर्स पर बात कर रहे हैं, सही, कि ये क्या कर सकता है, ये कहाँ क्या कर देगा, उसके बाद वो 5 एपिसोड हैं वो, आप देखिए वो एक रोड ट्रिप है, बहुत मज़ा लिखा जा रहा है वो। तो ये असल में ये काम है कि जितनी मेहनत आप सबसे पहले राइटिंग पर कीजिए, महीनों राइटिंग पे लगाइए, उसके बाद प्रोडक्ट निकलती है कि हाँ ये कुछ सोच है कुछ अच्छा। वो तो जब आपने पहले महीनों लगा के काम ये सब बना लिया ना, तो रिजल्ट तो आपको जब भी पता चल जाता है। Exactly. जब भी पता चल जाता है कि हम कहाँ बनोगे, कहाँ पर होंगे। सबसे अच्छे जब आप खुद होते हैं, आपको पता होता है कि ये चीज़ में जो बना रहा हूँ क्या है, इसमें कितना पानी, कितना मतलब लाजमी, जब आप इतने मेहनत करेंगे पूरा, इतना इतनी वर्किंग करेंगे, तो रिजल्ट तो सामने आपके आ ही जाएगा ना 100%, तो 80% आप पहुंच जाएंगे कि हमारे राइटर रिजल्ट क्या होगा। राइटर जब तक अपने करेक्टर जो लिख रहा है उसको अगर मुकम्मल नहीं जानेगा ना, वो कन्फ्यूज हो जाएगा बेशक। और आप ड्रामे देखने कहीं जगह आपको कैरेक्टर एक बात कुछ कर रहा होता है, उसी अगली बात पे वो उस बात को ख़त्म कर रहा होता है। अभी कोई ड्रामा देख रहा था मैं, उसमें दिखाया था शोहर मर गया और वो अभी जनाजा भी उठा, वो बाल खोल के बैठी है, कहाँ होती ऐसी बीवी यार। और अगर वो बीवी ऐसी है तो इसका मतलब वो शोहर ने सही रखा होता उसको बांध के, बिल्कुल सही कह रहे हैं, वो तो विलन है, फिर तो आप उसको विलन दिखा रहे हैं कि वो शोहर के मरते ही वो बाल भी खोल लिए उसने और वो भी कर रही है जो अपनी चीज़ें मर्जी से कर रही है, इसका मतलब ये पता नहीं कि आप समझ रहे हैं वो हीरोइन बना रहे हैं, उसको विलन बना रहे हैं। चले के आखिरी ब्रेक है, छोटी सी ब्रेक है और इसके बाद पर 4:45 हो चुके हैं इंशाल्लाह ताला, और आखिरी ब्रेक, इसके बाद फिर हम अपने इख्तितामी गुफ्तगू की तरफ चलेंगे। जी जनाब, ये आज के हमारे प्रोग्राम की आखिरी ब्रेक थी और यकीनन जब 5 बजे तक आपका हमारा साथ होता है, आयरवी सैटरडे आप यकीन हमारे साथ होते हैं, मैं आपके साथ होता हूँ और अपने तमाम मेहमानों के साथ जो मेहमान हमारे साथ होते हैं, कोशिश ये होती है कि जो आप हमें मैसेज भेजते हैं, जो ईमेल भेजते हैं, जो कमेंट्स मुझे मिल रहे होते हैं लोगों के नेक्स्ट के लिए, तो मेरी कोशिश होती है कि मैं उनमें से बहुत सारे आर्टिस्टों को बुलाऊँ। हमारे यहाँ बहुत सारे माशाल्लाह से आर्टिस्ट जो है रेडियो पर आने से, बहुत सारे ऐसे हैं जो बड़े बड़े माशाल्लाह वो मेरे एक फ़ोन पर भी आ जाते हैं, माशाल्लाह सब मोहब्बत करते हैं, सब जानते हैं पहचानते हैं, मगर कुछ ऐसे भी मुझे मिले जो छूटते कहते हैं कि पेमेंट क्या होगी जी भाई, वो कहते हैं यार आप आ जाएं, आपके फैंस के लिए आपसे बात करेंगे, आपसे गुफ्तगू करनी, गपशप करेंगे, थोड़ी सी आप ही के हवाले से बात होगी, हम कुछ आपसे प्रोडक्ट नहीं बिकवा रहे, कहते नहीं कुछ भी कर लें मगर पेमेंट क्या होगी, और कुछ और ऐसे बहुत सारे ऐसे हैं मेल फीमेल जो छूटते ही, जिन्होंने छूटते ही का, अभी मेरी एक, मैं नाम नहीं लूँगा, एक आर्टिस्ट है, मतलब माशाल्लाह एक नई आर्टिस्ट है मगर अच्छा एकदम जो है उसने काम अच्छा किया, मैं देखता हूँ कि काम अच्छा कर रही हूँ आगे, तो मैं कह रही नहीं आई एम सॉरी, मैं विदाउट, मैं कहीं भी इंटरव्यू देती हूँ तो बगैर पैसे नहीं देती, आई एम सॉरी मैं बिल्कुल नहीं आ सकती,
मैंने कहा आपके फैन करी फैन लोग हमें देखने वाले वैसे देखते हैं कि आपके पास आएंगे तो देखेंगे क्या. मैंने कहा बहुत शुक्रिया भाई आपका, बहुत शुक्रिया. तो ऐसे भी वक़ार ऐसे भी लोग हैं हमारे माशाल्लाह. एक्चुअली हम लोगों ने क्योंकि अपने घरों में बचपन से देखा कि रेडियो की ना हमारी नज़र में बहुत रिस्पेक्ट इसलिए है क्योंकि हमारे अम्मी अब्बू शाम में जब एक तो सुबह का अखबार और उसके बाद जंग अखबार सुबह का और एक रात में अम्मी का रेडियो सुनना या अपने पापा का रेडियो सुनना ये हमें याद. तो रेडियो की हमारी नज़र में बहुत रिस्पेक्ट है. तो रेडियो से मुझे तो जब भी कॉल आती है तो मैं तो फौरन लाजमी हाँ नहीं वो है बिल्कुल. लगी अच्छा बहुत सारे मतलब असफर आया, मोहित मिर्जा आया. मोहित मिर्जा अब ये कि मोहित मिर्जा को मैंने एक कॉल की थी और एक ही कॉल पर रिस्पॉन्स दिया मुझे मेरी कॉल पर बहुत अरे शोभ भाई बस. और उसने उसके बाद कह रहे मैं आपसे मैं शूट पर कहीं था आपका नाम किसी तारक को बता दीजिए आपका कॉल आया और हम ना कह ऐसा हो नहीं नहीं सब मैं वो सब मोहब्बत करते हैं बस मोहब्बत करते हैं सबकी मोहब्बत है. जब उनकी कॉल आई मैंने कहा हुकुम कीजिए वो साहब कब आना है आप तो सर सर आपको तो कॉल करना मेरी खुश नसीब होता है आपको कॉल चले जाएगा मगर मैं हमेशा फ़ोन उठाए बैठता हूँ कि शायद आतिफ की कॉल तो ये जरा सा फर्क है ये फर्क है. बहरहाल वो तो सिलसिला चले जो नहीं आता हम कहते कोई बात नहीं नहीं आता कोई सबकी अपनी मेम्बर्स ये ज़बरदस्ती नहीं है. हम तो बुलाते हैं मोहब्बत के लिए बुलाते हैं मोहब्बत. हम कहते हैं बहुत सारी दुआएं हमारी हैं हम बहुत सारी दुआएं लोगों के लोग आपको सुनना चाहते हैं लोग आपको देखना चाहते हैं टीवी पर लाजमी टीवी पर आपको देख रहे हैं ड्रामों में देख रहे हैं वो एक तो डायरेक्ट बात नहीं है मगर यहाँ पर बैठ के एक अपनी गपशप होती है फील्ड के बारे में बात होती है कुछ आपकी बैकग्राउंड के बारे में बात होती है कैसे आप ज्वाइन किया कि आज अगर वक़ार माशाल्लाह यहाँ पर मौजूद है तो वक़ार यहाँ तक पहुँचा कैसे ये सिर्फ यही गुफ्तगु तो हमने करनी है. हमने कौन सा कहना है वक़ार को यार ये आप यूँ करें हमारे ये जो हमारे चीनी बिकती चीनी यार चीनी बैठ गया से चीनी बेचे बैठ गया हमने कौन सा चीनी बिकवानी है वक़ार से. तो बड़ा अच्छा वक़ार ये तो चलो फिल्म की बात अभी हो रही थी थोड़ा सा आपकी मेकअप की तरफ आते क्योंकि माशाल्लाह मेकअप के बारे से बड़ा जाना पहचाना नाम का तो ये मेकअप का आपने जो काम शुरू किया कैसे ये आपका कैसे ये तो मुझे बचपन से पता था ये बात ना फिक्स थी कि मुझे मेकअप आर्टिस्ट अच्छा क्यों क्योंकि मुझे हमेशा से कलर्स पसंद थे और मेरी बहुत कम लोगों से दोस्ती होती थी मैं अपने साथ ज़्यादा टाइम गुजारता था और मुझे बड़ा शौक था मुझे कलर्स और मेकअप. मेरी खालाएं मेरी माशाल्लाह 5 खालाएं तो वो जब उनको मैं मेकअप करता देखता था मुझे तो ये चीज़ें जो मैं करना चाहता हूँ कितनी शक्लें बदल जाती हैं कितनी चीज़ें हो जाती हैं. फिर मेरे पापा ने जब मुझे जब मैंने पढ़ाई अपनी ख़त्म की तो मुझे कहा कि भाई चार्टर्ड अकाउंटेंट उस पर बहुत ज़्यादा सब हो रहे थे तो मैंने अपने पापा से कहा देखिए मैंने ग्रेजुएशन कर लिया है अब मैंने ना ये काम नहीं कर लिया मैंने मेकअप करना है मैं इसी के लिए पैदा हुआ हूँ. अच्छा. तो मेरे पेरेंट्स ने वरना उस वक्त पेरेंट्स इस तरह की चीज़ों को बहुत अच्छा नहीं समझते थे लेकिन आजकल तो फिर भी सब देख रहे हैं तो हाँ, वक्त के साथ साथ ये कि चेंज हो गया. मेरी अम्मी ने मुझे बहुत सपोर्ट किया बहुत सी उन्होंने कहा जो तुम खुद करना चाहते हो वो करो ताकि तुम उसको एंजॉय कर सको. बस फिर मैंने स्टार्ट किया मेकअप और आज भी तक मैं मेकअप कर रहा हूँ. मैं मेकअप का शौक तो मुझे लगता है शायद मेरे लहर तक भी खत्म नहीं होने मुझे अल्लाह में जन्नत में करना हाँ ये तो जन्नत में मैं सलाम खोलूँ क्या बात है जबरदस्त जबरदस्त है. तो मतलब इसमें कोई ऐसा यादगार आपका मेकअप के दौरान आपने बड़े बड़े आर्टिस्टों के साथ बड़े बड़े मैं बताता हूँ इंडिया हम दुबई में तो बच्चों के बीच में बोलने बड़ी बोलनी बहुत सुनो सही दो हम दुबई में थे और दो बहुत बड़ी मशहूर आर्टिस्ट थी इंडिया की तो उन्होंने वकार मेकअप करे थे किशोर को तो उन्होंने कहा कि हम वकार से नहीं कराएंगे. अच्छा. हम तो वो बड़े आर्टिस्ट थे इंडिया के बड़े नाम इंडिया के बड़े नाम थे वकार से नहीं कराएंगे और हम ये बात हुई वकार ने जिस आर्टिस्ट के अंडर मेकअप किया उसको दिखा तो उनकी आंखें फट गई फिर वो आई कह रही वकार ने कहा अब मैं नहीं करूंगा. हमारी अच्छा? बहुत बड़ी एक्ट्रेसेस हैं जिन्होंने कहा भाई हम क्योंकि वकार नया है ना मैं अपने या तो हम खुद कर लेंगे या हम किसी और को मेकअप आए और इंडिया से जो आई वो सुबह मेकअप के टाइम पे ना ऐसे बैठती थी और आखिर दादा अभी देख लो जो आपको सही लग रहा है. मैं पूछता था कि आपको कोई चीज़ पसंद है नहीं दादा आपको जो सही लग रहा है ये बेसिकली ये ना मतलब मैंने उनको साक्षी जो इतनी बड़ी एक्ट्रेस हैं और जिनकी नहीं एक टांग कटी हुई बेचारी जो नाचे मयूरी में थी सुधा चंदन मैंने उनको कहा प्लीज ये मेरे देख ले मैंने कैसा किया मेकअप कहने वकार हम आपकी आंखों में देख रहे हैं हम पता है बहुत प्यारे लग रहे हैं. सो उतना उन्होंने कितना वार्म वेलकम देते थे चीज़ें. फिर जब हमारी एक्टर ने कहा हाँ मैंने कहा नहीं अब मैं नहीं कर सकता मैं अब तुम कुछ बाकी होना भी चाहिए होना भी चाहिए तुम खुद करोगे. अच्छा हमारे यहाँ के एक्ट्रेस में यही हकीकत मैंने देखा क्योंकि मैं भी अब कुछ दो चार ड्रामे किए मैंने गया शूट पे मैं देखा बैठ के कि वो मतलब बैठ के अब मेकअप आर्टिस्ट जो मौजूद है उसको लाजमी डायरेक्टर ने स्टोरी हिसाब से उसको गाइड किया हुआ ना कि यार इनको क्या करना है इनके साथ क्या करना है तो वो करने दो नहीं तुम यूँ करो अच्छा तुम ये करो
अब ये करो उनको ऐसा लगता है, उनको ऐसा लगता है कि जैसे बहुत सी एक्ट्रेसेस हैं जिनका मैं मेकअप नहीं करता, बहुत से क्योंकि देखिए एज एन मेकअप आर्टिस्ट हम वो चीज करते हैं कि हमें भी इतना एक्सपीरियंस है, मुझे पता है डायरेक्टर ने क्या कहा और आपके कैरेक्टर की, और मेरे लिए तो फायदा ही होता है कि मैं बीइंग एन एक्टर कोशिश करता हूँ कि कैरेक्टर अच्छा बनाऊं, लेकिन हमारे यहाँ बहुत सा अब क्योंकि डिक्टेट करने लगती है चीजें, तो फिर मेरा दिल भी चाहता है कि मैं कभी उनसे बोलूँ जब वो कहती है ना कि वकार यहाँ ब्लश हम ये कर ले, तो मेरा दिल चाहता है कि आए मैं आपको पर्दे के सामने एक्टिंग भी सिखाऊँ कि करते हैं, लेकिन ये कि बहुत सी बहुत अच्छी एक्ट्रेसेस भी, मैं उन्हीं के साथ काम करता हूँ जो ज़्यादा कंफर्टेबल होती है मेरे साथ, और मैं ये चाहता हूँ इस प्लेटफॉर्म के तवस्तु से कहना कि जितने भी आर्टिस्ट हैं ना वो तब आर्टिस्ट अच्छे बनेंगे, आर्टिस्ट का ना बड़ा छोटा पीरियड होता है, आप आज किसी मेकअप आर्टिस्ट के साथ बदतमीजी करें, आप किसी स्पॉट बॉय के साथ बदतमीजी करें, आप किसी डायरेक्टर के साथ करें, क्योंकि इस वक्त अभी आपका तूती बोल रहा है तो लोग आपको पहचानते हैं और लोग आपकी बात, लेकिन ये बहुत जल्दी नीचे भी आ जाते हैं वक्त है, लेकिन जो टेक्निकल इंसान मुझसे किसी मेकअप आर्टिस्ट मुझसे किसी एक डायरेक्टर ने कहा कि आप जरा लड़कियों से बना के रखें क्योंकि यही लोग आपको आगे बढ़ाएंगे, तो मैंने उनको कहा, मैंने कहा शायद आप अल्लाह पे भरोसा नहीं करते, मेरा तो खुदा पे बहुत भरोसा है, और इस जिस कुर्सी पे मैं काम कर रहा हूँ ना खड़े होके, इस कुर्सी पे बहुत सी एक्ट्रेसेस आई और बहुत सी एक्ट्रेसेस चली गई, मेरा कद मजीद लंबे से लंबा होता चला जा रहा है, मुझे इनकी जरूरत नहीं है, इन्हें मेरी जरूरत है, लेकिन मुझे अल्लाह पे इतना, अक्सर लोग कहते हैं ना आजकल की यार बना के रखो वरना शूट नहीं मिलेगा, शूट की कॉल ना मुझे अल्लाह की तरफ से आती है, मुझे इंसानों की तरफ से, इवन के बहुत से लोग हैं जो क्लाइंट्स होते हैं क्लाइंट से बड़ी बना के रखते हैं, फोन कॉल करना, पार्टियों पे जाना, चीजों पे जाना, उस पे जाना, मीट टुगेदर्स पे जाना, मैं कहीं नहीं जाता, मैं बड़ा दाल चावल टाइप आदमी हूँ, सादा सा रहता हूँ, तो मैं बहुत नॉर्मल रहता हूँ, लेकिन मेरा मुझे ईमान है इस बात पे कि मुझे एक तो बहुत पैसा चाहिए नहीं है, मुझे दो जमा दो मेरी नज़र में चार होते हैं ना, तीन या पांच, मुझे उतना काम अल्लाह मियां दे देते हैं जितना मुझे एक अच्छी ज़िंदगी गुजारनी है, क्योंकि आपकी लाइफ का कुछ आजकल तो कुछ भी नहीं पता ना, बहुत कम चला जाए, तो बेहतर ये कि थोड़ी सी चीज़ों में ज़्यादा खुशी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रादर देन कि आप पैसा जमा करते हैं, ज़रूरी वही है, क्योंकि बात है कि ये तो आजकल क्या वैसे भी नहीं पता कि कब क्या हो जाए, बताता हूँ, अभी रिसेंटली हम एक जगह पर शूट कर रहे थे तो एक साहब ने मुझसे कहा, मैंने उनको बताया कि दिस इज़ रॉन्ग, आपने मुझे इतनी जल्दी बुलाया, ये क्या, तो कहने लगे लग रहा है वकार साहब आपकी आखिरी शूट है, तो मैं एकदम उनकी तरफ पलटा, मैंने कहा आप अल्लाह मियां है, मैंने कहा मैं तो ढूंढ रहा था अल्लाह मियां मुझे कहीं नजर आ जाए जो मुझे क्या बताए कि मेरी किस्मत में क्या क्या लिखा है, आप बताएं आपने मेरे लिए आगे क्या सोचा है, मतलब आप इंसान थोड़ी हो, देखो यार क्या है मान सके, हकीकत असल में यही तो मसला हमारे साथ, मेरे तो पापा ने ये सिखाया है कि भाई दो जमा दो चार होते हैं, और मेरे पापा ने सबसे बड़ी बात मुझे सिखाई थी, मेरे नाना भी मुझे ये बात हमेशा कहते थे कि देखिए जिंदगी में सबसे बुरी चीज होती है लालच, जब आप लालच करते हैं तो आप खुशामद करते हैं, जब आप खुशामद करते हैं तो आप झूठ बोलते हैं, आप झूठ बोलते हैं तो आपकी जिंदगी में डर पैदा हो जाता है, और खौफ से बड़ी बीमारी इस दुनिया में नहीं है कि जो कुछ नहीं हुआ उसका आपको खौफ है, तो बेहतर है कि ना कहना सीखें कोई प्रॉब्लम है उसको उतना कहें जो आपको लगता है, उस पर वक्ती तौर पर शायद आपको उसके बुरे असरात नजर आएंगे, लेकिन अगर आप अपनी जगह राइट खड़े तो आपको कभी जिंदगी में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है। बहुत अच्छी, इन फ्यूचर आप अपने आप को कहाँ देखते हैं, अब इन फ्यूचर जो है आप मतलब ड्रामा या फिल्म? मैं बहुत कोशिश करता हूँ क्योंकि ड्रामास तो मैंने अभी पिछले 12-15 साल से स्टार्ट किया एक्टिंग करना, लेकिन मुझे एज ए मेकअप आर्टिस्ट तो मैं मरते दम तक मेकअप, वो तो आपका है ही, वो तो है ही, लेकिन एज एन एक्टर मैं चाहता हूँ कि मैं नए नए कैरेक्टर्स करूँ, देखिए मैं कोई हीरो तो हूँ ठीक है ना, मैं चाहता हूँ कि मैं मुझे कैरेक्टर रोल्स ऑफर हों, अच्छे कैरेक्टर्स मिले, मगर अनफॉर्चुनेटली मुझे कोई ऑफर नहीं आती, हालांकि कुदरती साहब के इतने फैंस हैं, लोग इतने ज्यादा, जो आम पब्लिक मुझे 12-15 साल भी आज 12-15 साल के बाद भी लोग मुझे इतना वार्म वेलकम देते हैं एज अ वदूद जो आम पब्लिक है, मगर मैं अपनी इंडस्ट्री से नाराज हूँ इस बात से कि मुझे कभी कोई डायरेक्टर, कोई प्रोड्यूसर, कोई चैनल, कोई अच्छे काम के लिए ऑफर नहीं करता, हालांकि माशाल्लाह आपका काम, आपका एक कैरेक्टर अगर आपको किया जाए तो मेरे ख्याल बड़ा कामयाब रहेगा, पता नहीं लोग अभी भी फैन आपके बेल पर हैं, डरते हैं लोग कि शायद ज्यादा अच्छी एक्टिंग कर ले, हां शायद ये भी है, मैं ये भी हो सकता है, ये कह सकता हूं, इसका मतलब है कि इफ आई एम प्रूविंग माय सेल्फ कि जी मैं एक अच्छा काम कर सकता हूं, तो इसका मतलब है कि फिर डर ही रहना कि और आर्टिस्ट कहीं ऐसा ना ओवरशेड हो जाए, यही हो सकता है, यही हो सकता है, हकीकत यही हो सकता है, इसके अलावा वरना तो माशाल्लाह अगर आप ड्रामे में हो और वो कैरेक्टर कभी के लिए ऐसा हो ही नहीं सकता है, माशाल्लाह आपके इतने फैन मौजूद, आपकी फैन फॉलोइंग है, खान ने जो है पहले होता है ना मोनोटोनस हो जाती है कि आपसे फीमेल कैरेक्टर
भी कर सकते हैं या कोई फेमिनिन कैरेक्टर भी कर सकते हैं. फसी ने मुझे मिट्ठू आपा कराया, बहुत सारे ऐसे एबनॉर्मल भी मैंने उसके अंदर किया, एक जगह मैंने साइकोटिक आदमी का भी कैरेक्टर किया. तो फसी ने डिफरेंट शेड्स दिए मुझे, तो बहुत सारी चीज़ें जैसे अब आतिफ भाई से अगला प्रॉमिस हुआ है, आतिफ भाई ने मेरी कुछ और अच्छा सा सोचा हुआ है. सो मेरे कुछ अपने प्यारे लोग मेरे हैं जो मुझे काम देते हैं और मैं शौक से फिल्म, और क्योंकि एक्टिंग मेरा ब्रेड एंड बटर नहीं है तो शायद मैं उसके लिए बहुत ज़्यादा वो नहीं करता. लेकिन अफसोस मुझे होता है कि मुझे कहीं से कोई ऑफर, और कभी ऐसा भी होता है कि चीज़ें कंप्लीट बात हो जाती है मुझसे और एंड टाइम पे होता है कि जी शायद आपको नहीं ले रहे इसके अंदर. तो एज एन एक्टर तो मुझे कोई काम नहीं मिलता लेकिन मैं चाहता हूँ एक्टिंग करना. चलिए अल्लाह ताला हम तो कहेंगे कि लोगों को इतनी कम से कम समझ बूझ देती कि वो कार हुसैन को बुलाएं और इंशाल्लाह वो कामयाबी की जमानत होंगी इंशाल्लाह ताला. आते भाई आप टाइम मुख्तसर है, आप बताएंगे आप फिल्म को अब क्या देखते हैं आगे, फिल्म को ये पीछे तो देखो आपकी आ रही है और इंशाल्लाह करेगी हमारी दुआएं आपके साथ, अल्लाह ताला को कामयाब करे और आप ताकि इससे ज़्यादा आगे बढ़ने की कोशिश करें. इन फ्यूचर आप फिल्म को क्या देख रहे हैं, आप अपने आप को फिल्म की तरफ लेके जाएंगे या फिर ड्रामा भी साथ साथ आपका प्रोग्राम है करने का, या फिल्म में एक यही काम आता है दोनों, बस यही करेंगे, ड्रामा भी करेंगे इंशाल्लाह और फिल्म भी. और फिल्म का तो है भी कुछ प्लानिंग हो रही है, और जो भी इन्होंने कहा वकार ने कि तो एक बड़ा बड़ा सरप्राइज करेक्टर है इनका कि सब देख के हराम जाएंगे. मैं भी ख्वाब देखने शुरू कर दिए मैंने भी. जी जी जरूर जरूर मैंने ख्वाब देखने शुरू कर दिए बिल्कुल. फोन उठा के बैठता हूँ जब मौका मिलता है, फोन लेके बैठा हूँ तो नहीं नहीं इंशाल्लाह आप होंगे जरूर. नहीं नहीं इंशाल्लाह जिंदगी बखर इंशाल्लाह ताला. बहरहाल बड़ा अच्छा, हमारी तो बहुत सारी दुआएं, अल्लाह ताला आपको भी कामयाब करे क्योंकि आप जो काम करने चले हैं एक इंडस्ट्री में, क्योंकि इंडस्ट्री में यकीनन जो है हमारे माशरे में तफरी का बहुत बड़ा काम है, इंटरटेनमेंट यकीनन माशरे को सुधारती है. अगर आप बेहतर अच्छा कॉन्टेंट लेके चलेंगे, अच्छा काम लेके चलेंगे तो यकीनन कामयाबी जो है वो होगी और लोग यकीनन उसको अप्रिशिएट, क्योंकि लोग अच्छा काम देखना चाहते हैं आज भी लोग हैं. ये नहीं कि लोग नहीं, अच्छा काम अगर महंगा भी होगा वो देख लेंगे मगर अच्छा हो जब है. अच्छा हो। बात है कि एक दफा अगर एक आदमी काम आज अगर अच्छा ना करे तो वो कहते हैं छोड़ यार इसका, तो हमेशा ऐसे ही होता है, ऐसे ही होता है कि हमारे तो ये ना हम एक दफा फैसला करते हैं बस, बार बार नहीं करते. तो आपकी परी के हवाले से बहुत ज़्यादा अच्छा रिस्पांस रहा है, बहुत अच्छा रिस्पांस रहा परी का भी, और पीछे तो देखो भी इंशाल्लाह बड़ा अच्छा रहेगा क्योंकि कहानी जिस हिसाब से आपने बताई है लोग यकीनन लोगों ने सुना भी है, लोग हमारे प्रोग्राम को बाद में देखेंगे भी सही, वीडियो को देखेंगे यूट्यूब पर भी फेसबुक पर देखेंगे और लोग सुनेंगे और लोगों को यकीनन एक अच्छी चीज़ गाइड करेंगे तो लोग यकीनन जो इस बात को अप्रिशिएट करेंगे कि हम देखना चाहिए, देखेंगे तो हम फैसला भी करेंगे कि अच्छा है बुरा है क्या है, आदि भाई ने जो कहा था वो काम वैसे ही या नहीं हो रहा, तो ये बहुत अच्छी बात है. अगर नए लोग, अगर कुछ नए लोग आना चाहते हैं, कुछ नए लोग कहते हैं कि यार मैं भी तो एक्टर हूँ यार मैं क्यों नहीं आ सकता भाई, तो उनके लिए नए लोगों के लिए आप क्या गाइड करें, उनको क्या करना चाहिए, बेसिकली क्या करना चाहिए? बेसिकली तो ये कि मेरी बेटी ने जब मुझे कहा ना मुझे एक्टर बनना है एक्ट्रेस बनना है, तो मैंने उसको नापा भेजा क्या सीखी जरा, ये बहुत जरूरी है बहुत कि आप सीख के आइए जरा. तो ज्यादा गॉड गिफ्टेड होते हैं, ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है, ग्रे एरिया में, लेकिन हमारी फील्ड में ब्लैक एंड व्हाइट है, या तो आप हैं या नहीं है. हाँ सही, बिल्कुल सही. तो पॉलिश हो जाते हैं, तो पॉलिश जरूरी है, वो तो जरूरी है, वो तो है या नहीं, सही बात है. चले बहुत अच्छी बात है, बहुत शुक्रिया, थैंक यू आपका, बहुत शुक्रिया बुलाने का, बहुत अच्छा लगा, बड़ा एजाज है. रेडियो पे बहुत कम मुझे बुलाया जाता है, मुझे बहुत मजा आया, आपको फिर बुलाऊंगा जिंदगी बखर, आपको फिर कभी नाइट शो में बुलाएंगे इंशाल्लाह जिंदगी बखर. आदि भाई आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू, हमारी बेस्ट विशेज आपके साथ है. थैंक यू, आपको अल्लाह कामयाब करे. और अब इसके साथ ही मैं भी आपसे इजाज़त चाहूँगा, इंशाल्लाह जिंदगी रही तो आपसे मुलाकात जो होगी पीर की रात होगी 1 बजे से 3 बजे तक. अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह ने की बात एंड पाकिस्तान जिंदाबाद.